अटैक, राइट। ये एक टूल है जो आपको डीएससीपी डिस्कवर, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लॉन्च, इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी, एंड इसको आप स्टार्ट करते हैं तो डीएससीपी पे अगर सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि डीएससीपी के को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डीएससीपी स्नूपिंग बाइंडिंग बोलते हैं उसको। डीएससीपी स्नूपिंग बाइंडिंग का लॉजिक क्या है कि आप लोगों को डीएससीपी को भी वो लिस्ट देना है कि किस किस को मैक, मतलब किस मैक एड्रेसेस को आईपी देना है। तो अगर कोई आपके नेटवर्क में बैठ के और डीएससीपी पे कोई फ्लडिंग करता है, फेक रिक्वेस्ट भेजता है टू एक्वायर द आईपी एड्रेस, तो डीएससीपी के पास ऑलरेडी लिस्ट है कि किसको आईपी देना है। तो इसलिए बोगस जो भी रिक्वेस्ट होंगे उनको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो उस केस में ऐसे अटैक नहीं हो। तो मैक फ्लडिंग के केस में आप क्या कर सकते हो, मैक फिल्टरिंग, मैक बाइंडिंग, पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी तो हर जगह पे लगा सकते हो, पोर्ट सिक्योरिटी तो बेस्ट ही है, नो डाउट, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एआरपी पॉइजन, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, एआरपी पॉइजन। तो अटैकर ये आपके नेटवर्क में, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आप देखो, इसमें काउंटर मेजर, अगर आप स्विच, सिस्को के स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है आपको ये अटैक को रोकने के लिए, यहाँ पे उसके कमांड्स भी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, राइट, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन रिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये क्या है, कुछ कमांड्स है और इसके थ्रू आप डीएससीपी स्नूपिंग को इनेबल कर सकते हैं स्विच के अंदर, ठीक है। तो ये अटैक को आप स्टॉप कर सकते हो। अभी जैसे मैक फ्लडिंग भी हो रहा है, अभी हमारे नेटवर्क के सामने आप देख सकते हो डीएससीपी अटैक भी सक्सेसफुली चल रहा है और मैक फ्लडिंग भी हो रहा है और एआरपी पॉइजनिंग भी होता है। एआरपी पॉइजनिंग हमने पहले भी किया था, अभी फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे इस नेटवर्क में इनसे रिलेटेड सिक्योरिटी नहीं है। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे, नॉर्मल केसेस में यू विल फाइंड दैट कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी जैसे वाईफाई से कनेक्ट करना था आपको, तो यू हैव टेकन दैट वाईफाई पासवर्ड टू कनेक्ट विद द वाईफाई, राइट। वैसा सेम सिनेरियो आपको हर जगह मिलेगा, घर के किसी के वाईफाई है, किसी और का है ना, तो उसमें आप ऐसा तो सामने वाला कोई नहीं करता, मोस्टली कंपनीज में सिर्फ ये चीज अप्लाई होती। मतलब ये सिक्योरिटी हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, बट बिकॉज या तो हमको पता नहीं है, हाँ मेन रीजन वही होता है कि अवेयरनेस नहीं होता कि आपको, जैसे अभी होम वाईफाई जो है, ठीक है, तो वहां पे भी जो राउटर स्विच आप यूज कर रहे हो, वहां चाहो तो मैक फिल्टरिंग वगैरह आप लगा सकते हो। कोई भी न्यू डिवाइस अगर आपके यहाँ पे आता है तो ओनली बाय गिविंग द पासवर्ड ही विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू आर नेटवर्क। आई हैव टू एड हिज मैक एड्रेस टू आर डिवाइस, देन ओनली ही विल बी द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, करेक्ट। सो ये चीज आपको हर एक राउटर में ऑप्शन मिलेगा, हर राउटर हर स्विचेस में ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि लेयर थ्री स्विचेस होंगे तभी होगा, लेयर थ्री स्विचेस मतलब ऐसे जो बड़े साइज के सिस्को वगैरह के स्विच होते हैं, ये जो आपके वाईफाई राउटर्स हैं नॉर्मल, उसमें भी मैक फिल्टरिंग, मैक बाइंडिंग के सारे ऑप्शंस अवेलेबल। आप कभी भी उसमें जब जाना, वाईफाई राउटर के अंदर आप वो गेटवे एड्रेस डाल के अंदर जब जाते हो, उसमें देखो आप मैक बाइंडिंग, मैक फिल्टरिंग सबका ऑप्शन है। तो आपके घर के जितने डिवाइसेस हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स, टीवी एंड योर सिस्टम, उनको आपने ऐड कर दिया। अभी किसी ने अगर आपके यहाँ पे वाईफाई हैकिंग कर भी लिया, वाईफाई पासवर्ड किसी तरीके से उसको मिल गया, ठीक है, तो फिर भी वो आपके नेटवर्क से ऐड नहीं हो सकता, मैनुअली यू हैव टू ऐड दैट पर्सन इन दैट नेटवर्क, मतलब राउटर के अंदर, स्विच के अंदर उसका मैक एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। सो अब हम लोग यहाँ पे देखो, देखते हैं एआरपी पॉइजनिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एआरपी पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तीनों अटैक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है। आपको मैंने बताया कि डीएससीपी केस में क्या होता है और आपको मैंने बताया कि मैक फ्लडिंग के केस में क्या होता है। अब एआरपी पॉइजनिंग के केस में क्या होता है, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एआरपी जो है आपका, इसको हम एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जैसे कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं तो एआरपी के थ्रू ही कम्युनिकेशन उनका होता है। मतलब जैसे अभी एआरपी टेबल आप चेक कर सकते हो, उसमें जो जो आप नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं
तो उसका एआरपी टेबल मेंटेन हो जाता है, उसका मैक एड्रेस आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस, राइट। सो मशीन्स जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एआरपी के थ्रू उनके मैक एड्रेस को डिस्कवर किया जाता है, ठीक है। तो अटैकर क्या करता है, तो एआरपी का मेन काम क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो है आपका आईपी टू मैक में वो कन्वर्ट करता है ना, आईपी टू मैक एड्रेस। तो यहाँ पे अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर जो है एआरपी रिक्वेस्ट फ्लड कर रहा है, कहाँ भेज रहा है एआरपी रिक्वेस्ट, स्विच को, ठीक है। और ऑल मशीन्स ऑन द नेटवर्क विल कंपेयर दिस आईपी एड्रेस टू देयर ओन आईपी एड्रेस। जब आप एआरपी पॉइजनिंग स्टार्ट करते हैं तो सभी जो ये है नेटवर्क सिस्टम्स है, नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो क्या होंगे, तो जैसे मैंने इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था, नंबर वन कि राउटर का जो आपका ये है मैक एड्रेस, इसका गेटवे का, वो हैकर मशीन का जो मैक एड्रेस है उससे वो उसको स्पूफ कर देता है जब पॉइजनिंग अटैक हम करते हैं। मतलब जैसे ही हम अटैक के सिस्टम से चलाएंगे, अभी मेरे डिवाइस का मैक एड्रेस अलग है, आप सबके सिस्टम का मैक एड्रेस अलग है, आपके राउटर का भी मैक एड्रेस होता है ना, कोई भी डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। तो जैसे ही पॉइजनिंग अटैक आप करते हो तो आपका जो स्विच है, आपका जो राउटर है, मतलब जो वाईफाई राउटर है, उसको क्या करता है, उसका मैक एड्रेस, एक्चुअल जो मैक एड्रेस है उसको, ये सिस्टम का जो मैक एड्रेस है अटैकर मशीन के सिस्टम का मैक एड्रेस, वो वहां पे अप्लाई हो जाता है। तो मतलब उस नेटवर्क में अभी आपको दो ऐसे डिवाइस देखेंगे जिनके मैक एड्रेस सेम है, एक अटैकर मशीन और एक आपका गेटवे। आईपी एड्रेस वही रहेगा। अभी अगर डिटेक्ट भी करना हो मैनुअली तो ये चेक कर सकते हो आप कि ये गेटवे का मैक एड्रेस और इस आईपी का मैक एड्रेस दोनों का सेम कैसे है। तो ये समझ जाओ कि गेटवे तो अपना राउटर हो गया, स्विच हो गया, तो दूसरा जो मशीन जिसका सेम है वो अटैकर मशीन, वो कौन मशीन है, अटैकर, ठीक है। तो क्या होता है फिर कि वो मैक एड्रेस फिर आपका जब वहां पे स्पूफ होता है तो आपका जो भी कम्युनिकेशन, सभी सिस्टम्स का कम्युनिकेशन है, तो ऑल सिस्टम बिलीव दैट कि दिस इज द गेटवे, इसलिए इसके थ्रू सारा रिक्वेस्ट जाना चालू हो जाता है, इसलिए आप कैप्चर कर पाते। इसको बोलते हैं एआरपी पॉइजन, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, तो मैंने आपको केन बताया था इसमें, याद है क्या, केन अनेबल, इसका हमने प्रैक्टिकल दिखाया था ना आपको, केन। अभी यहां पे मैं फिर से करता हूं एक बार, केन, नहीं मैंने दिखाया था आपको या नहीं, केन आपके सिस्टम में नहीं हुआ, नहीं, एंटीवायरस डिसेबल करो, केन डिटेक्ट होता है एंटीवायरस। ये तो बहुत ही अच्छा हैकिंग टूल है, इसमें तो बहुत कुछ होता है। अभी देखो केन के थ्रू ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइजनिंग कर सकते हो, पासवर्ड क्रैकिंग, हैश को डिक्रिप्ट करना, क्रैक करना, बहुत कुछ कर सकते हो आप इसके थ्रू। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका केन है, ये स्नीफर टैब दिख रहा है यहाँ पे, स्नीफर टैब यहाँ पे देखो, ऑलरेडी कुछ लिस्ट ऑफ आईपी और मैक एड्रेसेस दिख रहे हैं आपको, ये पुराने एड्रेस हैं, ओल्ड एड्रेसेस, मैंने इनको डिलीट कर दिया है अभी। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस अटैक। बेसिकली इसी मॉड्यूल के लिए स्पेसिफिक ये अटैक है, जिसमें जिसको पासवर्ड हैकिंग के लिए मैंने आपको दिखाया था, मैन इन द मिडल के लिए, उसमें सिस्टम हैकिंग में है ना, बट ये जो है स्नीफिंग का ही कॉन्सेप्ट है। एआरपी पॉइजनिंग इज ऑल्सो कमिंग अंडर मैन इन द मिडल अटैक दैट ऑल्सो डज स्नीफिंग। तो अभी जैसे ये देखो यहाँ पे कॉन्फिगर सेक्शन में जाओ, अभी ये सिस्टम है मेरा जिसमें केन चल रहा है 0.4, 0.4, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। एंड व्हाट आई विल डू इज ये जो स्नीफिंग स्नीफर बटन है यहाँ पे देख रहा है, दिस बटन इज कॉल्ड एज एन स्नीफर टैब, क्लिक ऑन दैट। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक वार्निंग आता है, इसको ओके करना है आपको। तो ये बटन देखो अभी यहाँ पे इट्स एक्टिवेटेड ऑलरेडी, तो
राइट। अब जब इसको आप एक्टिवेट करते हो उसके बाद ये जो प्लस साइन दिख रहा है, अब देखो स्नीफर टैब में आप जब क्लिक करोगे तो स्नीफर के अंदर में 5 टैब्स हैं, होस्ट, एपीआर, राउटिंग, पासवर्ड एंड वीओआई। तो आपको पहले कौन सा होस्ट सेलेक्ट करना है, होस्ट टैब है ना, और उसमें आप यहाँ पे ये बटन प्रेस किया आपने, स्निफिंग बटन। नाउ यू गो फॉर प्लस। प्लस का मतलब हुआ कि प्लस क्या करता है, जितने भी उस नेटवर्क में अभी अवेलेबल सिस्टम्स हैं उनको स्कैन करके उसकी लिस्ट यहाँ पे आईपी के साथ मैक एड्रेस की लिस्ट आ जाएगी। तो बाद में फिर उनमें से किस किस सिस्टम पे अटैक करना है वो हम आसानी से कर सकते। बट टू डू एआरपी पॉइजनिंग अटैक यू नीड टू बी इनसाइड द नेटवर्क। ये मैन इन द मिडल अटैक हमेशा नेटवर्क के अंदर ही रह के होता है, ध्यान में रखिए। केन आप अपने घर से बैठ के और इस नेटवर्क को पॉइजन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं प्लस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये सेम रेंज का आईपी को स्कैन करके यहाँ पे लिस्ट लेके आएगा, देख देख रहे। तो वंस ट्वाइस थ्राइस यू कैन क्लिक ऑन प्लस एंड ओके। सो ये कई बार कुछ आईपी जैसे रिमेनिंग है वो भी ऐड हो जाते हैं, एक बार में हो जाता है, बट ट्वाइस थ्राइस यू कैन डू, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी जैसे जो हमारे नेटवर्क में राइट नाउ कनेक्टेड है केन चलाने से पहले उनकी लिस्ट आ गई। अभी सपोज मैं इसको चला के पॉइजनिंग चालू कर दिया और कोई बीच में बाद में कनेक्ट हुआ तो वो पॉइजनिंग लिस्ट में नहीं आए, बिकॉज अटैक करने के लिए आपको जो जो सिस्टम आप चूज करेंगे उन्हीं पे अटैक हो। ओके नाउ सी, तो ये स्कैनिंग किया हमने। अभी एपीआर सेक्शन में चलो, एपीआर दैट्स एआरपी सेक्शन यू कैन से। अब यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिखेंगे अलग अलग है ना, ये हमारा प्रीवियस डेटा है पहले से स्टोर्ड है, रिमूव कर दिया मैंने इसको गलती से, देख रहा है इधर कहीं और किसी इस पे क्लिक हो गया तो फिर वो दो सेक्शन नहीं दिखेंगे। तो आपका एपीआर जो है वो सेलेक्टेड होना चाहिए, कौन सा एपीआर। तो ये अभी यहाँ पे प्लस देखो डिसेबल दिख रहा है ना, तो ये जो ये सेक्शन दिख रहा है इस पे जस्ट माउस आपको कर्सर ले जाना है और क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करोगे तो प्लस अपने आप क्या होगा, इनेबल हो जाए। अब जो आईपी आपने वहां पे स्कैन किए थे, अब यहां फिर से प्लस पे क्लिक करो। अब ये प्लस पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे देखो ये न्यू विंडो आता है, न्यू एआरपी पॉइजनिंग राउटिंग, एआरपी पॉइजनिंग का विंडो है जिसमें आपको गेटवे सेलेक्ट करना है और फिर उसके साथ कौन कौन से आईपी पे पॉइजनिंग अटैक करना है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे आईपी एड्रेस दिख रहे हैं, राइट। आपको चाहिए तो आप सबको सेलेक्ट कर लो एक साथ, देयर इज नो प्रॉब्लम। Selecting all IP addresses is a, there is no problem. Means you are going to launch attack simultaneously on all IPs, right? But सब पे करने पे क्या होता है, कई बार DOS attack का scenario create होता है और आपका network jam हो जाता है। तो network से पता चला internet ही बंद हो गया, jam हो गया। तो इसलिए सबको एक साथ करने के बजाय एक दो कर सकते हो जिसमें detection के chances भी कम रहेंगे and जो भी targeted है उस पर target कर सकते हो। Got it. अब मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, मैं ओके करता हूँ, ये देखो सारे लिस्ट जो यहाँ पे आए अलग अलग आईपी एड्रेस के है ना, ये सभी आईपी इस लिस्ट में आ गए। सिर्फ मुझे अब क्या करना है, ये येलो बटन जो दिख रही है, येलो बटन मतलब पॉइजनिंग, येलो बटन मीन्स पॉइजनिंग बटन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करोगे तो आपका स्निफिंग स्टार्ट हो जाएगा, गॉट इट। इसको करते ही आपका स्निफिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो जस्ट वन सेक, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो ये जैसे आप चालू करोगे पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगा. मतलब पॉइजनिंग का मतलब दैट सिनेरियो विल बी क्रिएटेड एंड आप आईडी पासवर्ड, तो जितने भी प्रोटोकॉल. एआरपी पॉइजनिंग का मेन रिस्क क्या है कि जितने इंटरनल नेटवर्क में मोस्टली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स दे यूज अ इनसिक्योर प्रोटोकॉल इन इनसाइड कम्युनिकेशन के लिए. आप इंटरनेट से जब कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उस केस में आप बाय डिफॉल्ट यू गो विद दिस ऑल सिक्योर प्रोटोकॉल, राइट. बट इस केस में क्या होता है, नेटवर्क की जब मैं बात करता हूँ, नेटवर्क में कोई पासवर्ड आईडी पासवर्ड भी अगर आप डालते हैं तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, इनसिक्योर मोस्टली. तो उस केस में एआरपी पॉइजनिंग के थ्रू सारे आईडी पासवर्ड एक साथ कैप्चर किए जा सकते हैं. किए जा सकते हैं मतलब जो इनसिक्योर प्रोटोकॉल से. इनसिक्योर प्रोटोकॉल में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, आपके आपके HTTP, FTP, SMTP, Telnet, POP3, SNMP, जितने भी जिनका लेटेस्ट सिक्योर वर्जन भी अवेलेबल है, राइट. अब जैसे HTTP केस में HTTPS है, FTP के केस में SFTP है, Telnet के केस में SSH है ना. वैसे SNMP केस में SNMP V3 है, ठीक है, वर्जन उसका अपग्रेडेड. हर प्रोटोकॉल के सिक्योर वर्जन अवेलेबल है, बट जरूरी नहीं कि हर जगह पर सिक्योर वर्जन यूज होता है. तो ये ड्रॉबैक है. तो मैं अभी ये पॉइजनिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है. सो वी विल सी हाउ टू डू दिस पॉइजनिंग अटैक. प्रोटोकॉल यूज का मतलब, अभी जैसे तुम ब्राउजिंग करते हो तो ब्राउजिंग में HTTP यूज हो रहा है, ठीक है. अभी तुमको फाइल ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन करना है कहीं पे, फाइल ट्रांसफर करना है साइट के थ्रू ऑनलाइन, तो FTP SFTP का यूज होगा, ठीक है. तुमको रिमोट कनेक्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे कनेक्शन सिस्टम में, तो टेलनेट अगर इनेबल है टेलनेट के थ्रू होगा या तो फिर SSH के थ्रू होगा, ठीक है. तो ऐसे क्या है, वैसे देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट ये जो पोर्ट्स हैं FTP है किसका, हाँ सब सब सारे कम्युनिकेशन के अलग अलग रहते हैं. A number of there are ports and services. That's what you need to know. All right, आप लोगों को क्या करना है कि जो at least top 50 protocols तो पता होने चाहिए. देखो उसको, ठीक है. सभी protocol मतलब set of rules. Communication करने के लिए protocol की जरूरत होती है. और protocol को ही हम लोग services भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Services and every protocol, every service have the dedicated port number. HTTP have 80, FTP have 21, SMTP have 25, Telnet have 23. Likewise, 65,535 ports are there. कितने हैं? 65,535 ports. तो अभी ये जो येलो बटन है, जब हम इसको प्रेस करेंगे येलो बटन को, ठीक है, सो यू विल सी दैट ओके. सो चलिए इसको देखते हैं अभी, एक मिनट में कनेक्ट कर देता हूं. ओके. प्रोटोकॉल अभी आपको मैं वो हमने एनमैप किया था. एनमैप चलाते हो देखते हैं ना इतने पोर्ट्स ओपन हैं सिस्टम में तुम्हारे, है ना. फिर उसके साथ कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है. फिर उसमें कौन कौन से कौन सा OS है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दिखता है, दिखता है. तो उस केस में क्या होता है कि
इसीलिए पोर्ट स्कैनिंग किया जाता है, जिससे हमको पता चले कि हम सिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गेटिंग दैट दैट? सर ऐसा है। राइट अभी देखो यहाँ पे, तो ये जो पॉइजनिंग बटन है आपका, ये पॉइजनिंग बटन पे अभी मैं क्लिक करता हूं तो आप देखो इसमें क्या कैप्चर होता है। बट इस केस में थोड़ा इंटरनेट का इशू आ सकता है, अगर आप एक साथ सारे आईपीस पे कम्युनिकेशन करते हैं तो। एक साथ अगर आप सभी आईपीस पे जाएंगे तो उस केस में इशू आ सकता है। ठीक है, सो नाउ यू गाइस कैन सी दिस पॉइजनिंग बटन आई हैव जस्ट क्लिक्ड एंड यू सी। पासवर्ड सेक्शन में जाओगे तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कोई भी साइट अभी मैं आप लोग लॉग इन करो, जितने लोग इस अटैक में आईपी है, तो फिर आपका आईडी पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डेटा है, पहले का है, आप अभी जैसे आपका मोबाइल अगर आईपी उसमें था केन में, तो उसका भी पासवर्ड दिखेगा। अगर आप वहां पे कोई भी, मतलब ये जो लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल दिख रहे हैं आपको, ये एक बार हमने रिपीट किया है, मतलब अभी रिपीट किया, अदरवाइज दो तीन बार मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो ये प्रोटोकॉल दिख रहे हैं आपको, जितने भी दिख रहे हैं, SAP, PPOE, GRE, SIP, SNMP, MySQL, IKE, PSK, ICQ, Radius User, Right, and Radius Keys, Right, SMTP, TNS, TDS, BNS, Telnet, SMB, POP3, LDAP, IMAP, ये सभी प्रोटोकॉल क्या है, इनसिक्योर है। मतलब अगर इनमें से कोई भी अगर पोर्ट ओपन है तुम्हारे सिस्टम में, इनमें से कोई कम्युनिकेशन में आप कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ये लिस्ट से, ठीक है, तो इसका मतलब आप इनसिक्योर है, आप क्या है, इनसिक्योर है। तो ARP पॉइजनिंग अटैक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ARP पॉइजनिंग। राइट, तो ये बटन को जैसे ही आपने प्रेस किया तो आपको लिस्ट ऑफ, अब देखो जैसे मैं इस सिस्टम में गया, मेरा आईपी इसमें होगा तो मेरा भी पासवर्ड इसका आ जाएगा, इस सिस्टम का अगर रहेगा तो, इस सिस्टम का अगर होगा तो इसका भी आएगा। जैसे HTTPS को ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, HTTPS का मतलब इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। प्लेन टेक्स्ट वाले जो प्रोटोकॉल है वो सबको इसके थ्रू हैक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे आपने दिया एडमिन लॉगिन .php ASP, जो भी आपको देना है, और इनमें से कोई भी साइट पे जैसे आप गए, जैसे इस पे मैं गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया 37, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने 54321 लॉगिन। अब अगर मेरा भी आईपी उस लिस्ट में होगा तो देखो यहाँ पे जो अभी साइट पे मैंने सप्लाई किया, तो ये मेरे ही सिस्टम से मैं कर रहा हूँ तो भी आएगा, मतलब मेरा भी उसी नेटवर्क का सिस्टम है, तो मतलब अटैकर जो मशीन है उसके सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी कैप्चर करेगा, प्लस जो और लोग हैं उनका भी आएगा। देखो आया सतीश, अभी ये न्यू एंट्री है, ये किस डेट को आया देख सकते हैं, 25/10/2020, एंड टाइमिंग भी दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या करेगा, आप जो जो प्रोटोकॉल्स का यूज करके जो कम्युनिकेशन अभी सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो आप पासवर्ड के थ्रू, ठीक है, पॉप थ्री वगैरह आप ईमेल भेज रहे हो, आप फाइल ट्रांसमिशन कर रहे हो, आप है ना HTTP वगैरह की एक्टिविटी कर रहे हो, वो दिखाएगा आपको। ये आपको ऐसा नहीं, जैसे कीलॉगर में आपने देखा हो स्क्रीनशॉट लेता था, स्क्रीन भी भेजता था, डेस्कटॉप पे क्या चल रहा है ना, स्क्रीन, ये स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, ये जो डेटा आपके सिस्टम से ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। अभी जैसे आपके सिस्टम से गेटवे तक कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो कैप्चर करेगा ना, दिस इज ARP पॉइजनिंग अटैक। राइट, तो ARP पॉइजनिंग ना हो उसके लिए आपको क्या करना हो, वॉट टू डू To stop this attack, आप क्या कर सकते हो, आपके जो गेटवे का MAC address है उसको क्या कर सकते हो, there is a dynamic ARP inspection security, उसको counter measure बोलते हैं, उसको क्या करो, ARP table को में जो आपका गेटवे का जो IP और MAC है उसको register कर दो, मतलब कि वही MAC address use होगा गेटवे पे, उसके अलावा कोई दूसरा MAC address गेटवे पे नहीं हो सकता। तो अभी बिकॉज इसने क्या किया, हैकर मशीन ने गेटवे के मैक एड्रेस को स्पूफ किया, वो स्पूफिंग नहीं होता तो नहीं होता है अटैक,
तो आप रजिस्टर कर दो ना उसको, टीआईपी के साथ यही मैक एड्रेस होगा। किसके थ्रू, मतलब कैसे करेंगे? इसके थ्रू कर सकते हो ना, स्विच पे, स्विच स्विच में कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी वो देखा ना, डीएससीपी का कॉन्फ़िगरेशन लेयर 3 स्विचेस पे आप करते हो, आपको मैक फ्लडिंग का भी वहां से पोर्ट सिक्योरिटी आप कर सकते हो, यहाँ यहाँ पे ये भी आप स्विच के थ्रू ही करोगे, ये सब स्विच बेस्ड है, ठीक है। और आप अपने इसमें भी कर सकते हो, वाईफाई राउटर जो है इस पे भी आप ये कर सकते हो, आप एआरपी टेबल में आपका गेटवे एड्रेस को आप मैक एड्रेस प्लस आईपी एड्रेस आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ऐड करने का मतलब क्या होता है कि आपने बता दिया कि यही आईपी, इस आईपी का यही मैक एड्रेस, तो कोई अगर उसको चेंज भी करना चाहे तो नहीं हो सकता, ठीक है। आईपी एड्रेस मैक एड्रेस अगर हैकर का रियल पता चलता है, मेन होता है पब्लिकली अगर हम किसी हैकर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग आईपी के थ्रू चेक करते हैं, बिकॉज़ आईपी एड्रेस इज अ पब्लिक एड्रेस व्हिच माइट बी रजिस्टर्ड, व्हिच इज रजिस्टर्ड विद योर नेम, द पर्सन हु इज अ ओनर ऑफ द नेटवर्क और द वाईफाई। अभी हैकर ऐसा भी तो कर सकता है कि वो कहीं वार ड्राइविंग किया उसने, है ना, सिटी के किसी कॉर्नर में जाके कोई वाईफाई से हैक करके कनेक्ट हो गया और फिर हैकिंग किया, तो उसमें फिर जो ओनर है वो पकड़ा जाएगा जिसका नेटवर्क है, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो अच्छी बात है, किसी दूसरे ने किया, तुमने नहीं किया, नहीं तो तुम जाओगे अंदर। इसलिए आपका नेटवर्क इसलिए भी सिक्योर होना चाहिए कि इसलिए आजकल हम लोग जैसे सिक्योरिटी लगाते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, कोई हमारा इंटरनेट यूज करके पूरा डेटा यूज करेगा, डाउनलोडिंग करेगा, यही सिर्फ दिमाग में ख्याल आता है ना। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका नेटवर्क को किसी ने अगर हैक किया तो उसके थ्रू वो कोई भी किसी को थ्रेटनिंग ईमेल भेज दिया, किसी को कुछ और भेज दिया, तो उस पर जब कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा तो आईपी एड्रेस तो आपका है, तो अल्टीमेटली पकड़ा कौन जाएगा जिसका एड्रेस है। अभी आपके मोबाइल से अगर थ्रेटनिंग कॉल गया है तो यू विल बी बुक्ड फर्स्ट ना, then if you are able to prove that you have not done it, then you are safe, otherwise you will be tortured unnecessarily. आपका फेसबुक का अकाउंट हैक हुआ, उस पे किसी ने पोस्ट डाल दिया, कोई ऑफेंसिव पोस्ट डाला, और आपने FIR नहीं किया, आपने इन्फॉर्म नहीं किया अथॉरिटीज को कि आपका अकाउंट हैक हुआ, राइट, और बाद में जब आपको लोग आए पकड़ने, है ना, तब फिर आप बोलोगे कि मैंने नहीं किया, कौन बिलीव करेगा, who will believe that you have not done, whose account it is, whose mobile it is, whose device it is, whose internet it is, got it? तो इसलिए ये आप बहुत बड़ा रिस्क है, इन सबका पोजीशन जो है हमारे पास, जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं, ये सबका रिस्क फैक्टर ये है कि इनका कोई अगर इनसे अनऑथराइजिंगली कनेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ माई वीकनेस ऑफ इंटरनेट और सिक्योरिटी वीकनेस जो भी है, तो उसके थ्रू वो क्या क्या कर सकते हैं, आपके लिए कितना बड़ा ट्रबलसम हो सकता है, यू आर नॉट इवन, अभी तो आप सोच भी नहीं सकते हो कितने इनोवेटिव तरीके से उसका यूज किया जा सकता है। और हैकर्स जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं, वो कभी भी अपने नेटवर्क में बैठ के, अपने ही कनेक्शन पे बैठ के, अपने ही लैपटॉप पे बैठ के कोई हैकिंग नहीं करते, ठीक है। दूसरे का नेटवर्क होगा, दूसरे का इंटरनेट, दूसरे का लैपटॉप, दूसरे का मोबाइल। अभी आजकल जैसे मुझे क्राइम ही करना है तो गोइंग थ्रू बाइक, समबडी इज टॉकिंग ऑन फोन, लिया आपने, निकल गए, मोबाइल भी आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब लैपटॉप लोग ऐसे ही स्टीलिंग डिवाइसेस को स्टील करके उसके थ्रू क्राइम कमिट करके, बिकॉज द डिवाइस डज नॉट बिलोंग्स टू दैट क्रिमिनल, सो वो उसको थ्रो कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा कहीं भी, है ना। उसमें उसका कोई डिटेल नहीं है, ना तो इंटरनेट का डिटेल है, अगर सीसीटीवी कैमरा वगैरह ठीक ठाक काम करेंगे तो थोड़ा बहुत पता चल सकता है, अगर वो पूरा कवर करके सब भाई कोई स्पूफ कर दिया नंबर वगैरह उसके थ्रू, फिर तो कुछ नहीं होगा। मतलब सब सारी इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, है किसी और का लैपटॉप, किसी और का इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, अब किसी और लोकेशन। अब एक और प्रोफेशनल क्रिमिनल है जो अपने घर के आसपास से नहीं कर रहा, बिकॉज रोज उसका आना जाना है तो वहां पे पकड़ा जा सकता है, ठीक है, तो क्या करेगा, उस सिटी से निकल के चला गया बाहर, मुंबई में जाके कनेक्ट कर, फिर वहां से आएगा यहाँ, ठीक है। ऐसे अभी हुआ था गुजरात में कुछ समय पहले,
एक एक क्रिमिनल था जो ये केस था क्रिमिनल, वो थोड़ा सा ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसको, तो उसने कुछ लोगों को वो बहुत ये टीवी वगैरह देख के क्राइम पेट्रोल एंड ऑल राइट, तो वो बहुत सारी प्लानिंग सीख गया था। ये रियल स्टोरी में बता रहा हूँ, गुजरात का है, गुजरात में ये केस हुआ था अहमदाबाद के। तो वो क्या करता था बहुत सारे उस समय, ये आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। सो ऐसे कुछ कुछ दिनों में ऐसे लोगों के ना मर्डर होते थे, मतलब डेथ। तो और एक ही पैटर्न होता था, सीरियल किलर टाइप का है, ठीक है। तो एक ही पैटर्न होता था और पूरी पुलिस सब कुछ लग गए फिर भी उसको पकड़ नहीं पाता। तो वो क्या करता था, बाद में जब पकड़ा गया पता चला कि ये अहमदाबाद का है ही नहीं, अहमदाबाद से 200-250 किलोमीटर दूर का है, और वो वहां से ट्रेन से आता है नाइट में, और वहां गांव वालों को क्या पता है, जॉब करने जाता है, ठीक है। तो जॉब इसलिए लोग इतना डाउट भी नहीं आता है, कभी कभी आए तो फिर न्यूज में आए तो ऐसा बोल सकते हैं ना, ये तो जाता है कुछ कर सकते, वो हर रोज आता है, ठीक है। बट हर रोज कुछ नहीं करता, हफ्ते दो हफ्ते का और पूरा ऑब्जर्वेशन करता है कहाँ पे क्या है और फिर हिट करता। बहुत समय लगे उनको इस केस को सॉल्व करने, राइट, बिकॉज वो बहुत प्रोफेशनली उस चीज को कंडक्ट कर रहा है, राइट। सो बिकॉज सो दिस इज हाउ हैकर्स, द प्रोफेशनल हैकर्स मींस द पीपल दोज इधर दे देमसेल्फ टू बिकम पॉपुलर, कोई बड़ा अटैक किया तो खुद अपना क्रेडिट ले लेते हैं कि हमने किया है, ना जैसे टेररिस्ट ग्रुप वगैरह कुछ किए तो, है ना, वैसा। अदरवाइज अगर उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हाइड करना है, तो इतना कॉमन सबको पता है कि कितना भी प्रॉक्सी वीपीएन लगाओ, है ना, सबसे बेटर ऑप्शन वही है कि चेंज एवरीथिंग, डू नॉट यूज योर्स। अदरवाइज समवेयर फॉरेंसिक का रूल क्या है कि एविडेंस का कोई ना कोई तो देयर प्रूफ मिलेगा, यू कैन फाइंड समथिंग, यू नो, कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ ट्रैस जो है, दे लीव द ट्रैस, राइट। सो ट्रैकिंग किया जा सकता है। तो अभी ये था आपका एआरपी पॉइजनिंग, जो आप केन के थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ केन के थ्रू नहीं, आप आपके जैसे अभी हीटर कैप वगैरह है काली में, है ना, उसके थ्रू भी कर सकते हो। आगे मैं उसका भी बताऊंगा, हीटर कैप का, राइट। तो क्या क्या आप एआरपी पॉइजनिंग के थ्रू कर सकते हो, मतलब एआरपी पॉइजनिंग के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कर सकते हो। सो थ्रेट्स क्या है, मतलब एआरपी पॉइजनिंग के थ्रेट्स, स्निफिंग भी कर सकते हो आप, सेशन हाईजैकिंग, सेशन आईडी वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, वीओआईपी कॉल टैपिंग, मतलब उसमें ऑप्शन है, मतलब आप अगर एआरपी पॉइजनिंग स्टार्ट किए और उस नेटवर्क में कोई कॉल वगैरह कर रहा है इनसिक्योर प्रोटोकॉल का यूज करके, स्पेशली वीओआईपी, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी उसमें हो जाता है। वायरशार्क में भी ऑप्शन था और केन में भी ऑप्शन है, या जितने भी आजकल टूल है। मैनिपुलेटिंग डेटा, अब जैसे अभी केन के अंदर तो हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, केन सिर्फ कैप्चर करता है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते आप। बट जैसे अभी आपका जो प्रॉक्सी टूल्स होते हैं, जो बॉब शूट वगैरह जैसे हैं, है ना, उसमें आप इंटरसेप्शन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट, डेटा इंटरसेप्शन का भी इसमें ऑप्शन है, राइट। स्टीलिंग पासवर्ड, डिनल ऑफ सर्विस, कनेक्शन रीसेटिंग, कनेक्शन हाईजैकिंग, ये सब थ्रेट है। मतलब एआरपी पॉइजनिंग अगर सक्सेसफुल होता है तो ये सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। और करने का जो टेक्निक है वो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, किस तरीके से आप उसको स्कैन करना है, कैसे उसको ऐड करना है और कैसे उसको लॉन्च करना है। देखो यहाँ पे एआरपी स्पूफ भी एक टूल है, ईटर कैप भी है, है ना, बेटर कैप भी है। ये क्या है, एआरपी स्पूफ, बेटर कैप, ईटर कैप, ये टूल्स है, दीज आर टूल्स। राइट, तो ये एआरपी स्पूफ जो है, इसको मैं सेशन हाईजैकिंग मॉड्यूल आएगा तो उसमें बताऊंगा, एसएसएल स्ट्रिपिंग अटैक जब करेंगे तो इसका मैं यूज करके दिखाऊंगा। और इसके थ्रू भी अभी जैसे केन में एक चीज आपने देखा कि एक साथ हम हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं केन में, देखा ना आपने, सारे आईपी एक साथ सेलेक्ट किए जा सकते हैं। एआरपी स्पूफ के केस में आप सेम टाइप का अटैक बट एक बार में एक ही सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं, ऐसा है। केन के साथ क्या था कि वो आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर पा रहे थे, एक को करना है आपको, दो को करना है आपको, टेन को करना है, ट्वेंटी को करना है, सब जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से।
अंडरस्टूड ओके तो आई विल कम टू दैट है ना एआरपी स्पूफ का सेक्शन तो देखो इसमें इसका डिफेंस क्या है क्या बता रहा है हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट एआरपी स्पूफिंग हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट एआरपी स्पूफिंग व्हाट इट इज सेइंग यूज इंप्लीमेंट डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन एंड यूज डीएससीपी स्नूपिंग बाइंडिंग मतलब जो डीएससीपी की सिक्योरिटी आपने लगाया है वो और एआरपी इंस्पेक्शन तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि चेक द मैक एंड आईपी फील्ड इफ टू सी इफ द एआरपी फ्रॉम द इंटरफेस इज अ बाइंडिंग मतलब मैक और आईपी बाइंडिंग मोड में है या नहीं इफ नॉट ट्रैफिक को ब्लॉक राइट तो ये आपका डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन इसको बोलते हैं राइट यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मैक एड्रेस है ये आईपी एड्रेस है और जो क्या है यहाँ पे ये डीएससीपी स्नूपिंग इनेबल्ड है यहाँ पे इसका मतलब सिक्योर है राइट मतलब इसका जो मैक है आईपी है ओरिजिनल है और अगर डीएससीपी स्नूपिंग यहाँ पे नहीं है तो ये चेंज हो सकता है जैसे कि अभी हमने पॉइजनिंग अटैक किया और आपने देखा कि अभी ट्रैफिक स्टार्टेड कम है गॉट इट तो ये सिनेरियो को आप चेक करिए तो डिफेंडिंग एआरपी पॉइजनिंग अटैक हाउ टू डू दैट राइट एंड हाउ टू डिफेंड इट यहाँ पे देखो ये सिस्को स्विचेस के सारे कमांड्स दिए हैं कौन कौन से सिस्को स्विचेस पे आपको कैसे डीएससीपी स्नूपिंग कॉन्फिगर करना है और कैसे आपको एआरपी इंस्पेक्शन का कॉन्फिगरेशन करना है दिस इज एआरपी इंस्पेक्शन एंड दिस इज अ डीएससीपी स्नूपिंग गॉट इट दिस इज कॉल्ड एआरपी इंस्पेक्शन एंड डीएससीपी स्नूपिंग राइट तो वहां पे कनेक्टेड है ओके ओके नो प्रॉब्लम कनेक्टेड हो क्या तुम लोग जूम से ठीक है ना फिर ओके फाइन सो देखो सो यू गाइस सी ठीक है उसमें और बेटर दिखता सिस्टम में थोड़ा सा क्लियर दिखता यहाँ पे देखो आप तो कॉन्फिगर डीएससीपी स्नूपिंग इन ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड अभी राउटर में आप लोग राउटर स्विचेस कॉन्फिगर किए हैं राउटर वगैरह किए होंगे ना पैकेट रेसर पे तो उसमें अलग अलग मोड होते हैं ये कौन सा मोड है आ? हाँ इसको ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड बोलते हैं ठीक है तो ये ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड पे ही आपको इसको ये करना है कॉन्फिगर ये कमांड चलाना है आईपी डीएससीपी स्नूपिंग विलेन 10 है ना और फिर यहाँ पे आप देखो टू व्यू द डीएससीपी स्नूपिंग स्टेटस स्टेटस चेक करने के लिए भी यहाँ पे कमांड्स है सो ये सिक्योरिटी है काउंटर मेजर क्या है तो आपने देखा मैक फ्लडिंग आपने देखा डीएससीपी अटैक आपने देखा एआरपी पॉइजनिंग अटैक ठीक है अब यहाँ पे जैसे एआरपी स्पूफिंग या एआरपी पॉइजनिंग जो हम लोग करते हैं केन के थ्रू या कोई भी टूल अगर कोई आपके नेटवर्क में बैठा है ये ऐसा अटैक है एआरपी पॉइजनिंग के आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके क्रेडेंशियल किसने कैप्चर कर लिए बिकॉज ये नेटवर्क के अंदर कोई भी कर सकता है ना अगर आप चाहते हो कि ऐसे अटैक अगर हो तो आपको इमिडिएटली ऐसा नोटिफिकेशन आना चाहिए आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये अटैक कोई कर रहा है दैट यू शुड बी नोइंग इट राइट अगर आप उस नेटवर्क में है तो आपके सिस्टम अगर उस अटैक में है मतलब इंक्लूड किया गया है अटैक में तो आपके पास इमिडिएटली एज सून एज द अटैकर स्टार्ट डूइंग इट इमिडिएटली यू शुड गेट नोटिफाइड दैट यू आर अंडर अटैक राइट तो उसके लिए आप एक्स ए आर पी टूल यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं एक्स ए आर पी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेरे पास एक्स ए आर पी एप्लीकेशन है डिटेक्शन ए आर पी पॉइजनिंग ए आर पी स्पूफिंग डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो अभी देखो यहाँ पे सब कुछ करेक्ट दिख रहा है स्टेटस नो ए आर पी अटैक है ना ये देखो अभी लॉन्च हुआ बिकॉज अभी केन हमने चलाया था ना तो वो स्टेटस अभी भी यहाँ पे देखो अटैकर अटैकर मशीन दिख रहा है ये 0.4
राइट, पर अभी गेटवे पे अटैक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप अब देखो, तो बिकॉज ये काफी हाई इसमें है, सिक्योरिटी लेवल इसका हाई है, तो जितना हाई एग्रेसिव करोगे ना वो बिना अटैक के भी दिखाता रहेगा, राइट। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, एक ऐसा टूल है जो आपके नेटवर्क में जितने सिस्टम है ना उनका आईपी और मैक का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, राइट। और अभी अभी देखना आप, जैसे ये आपका क्या है, मैक एड्रेस गेटवे का है, रियल मैक है 1C5F। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अटैकर मशीन का मैक है वो गेटवे से, मतलब ये अटैकर मशीन का जो मैक है वो सबके साथ ट्रांसलेट करता है, इसमें गेटवे भी है और प्लस अदर जो मशीन रहेंगे। अभी देखना ये, अभी मैं केन चलाता हूँ फिर से, I'm just running the cane here, you guys can see. अभी ये सिनेरियो दिख रहा है ना, 1C 3C 4, जो 0.4 है ये मेरा सिस्टम, 0.4 क्या है मेरा सिस्टम, अब जैसे मैं एपीआर में गए है ना, कि इनको अभी मैं रन करने वाला हूं, और यहां पे हमने क्या किया, गेटवे सेलेक्ट किया और किया अटैक। अब देखो यहां पे जैसे मैं पॉइजनिंग सेलेक्ट करूंगा, अभी जैसे यहां पे सब सभी पे अटैक नहीं दिख रहा है ना, यहां पे आपका ये सेफ है गेटवे, राइट। अटैकर मशीन कौन सा है अब पता चलेगा आपको। अब जिसका देखो, तो प्लस इस पे पॉइजनिंग पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो अभी गेट अटैकर मशीन और गेटवे दोनों का मैक सेम दिख रहा है, देख रहा है क्या है? फिर वो क्या कर रहा है, अटैकर मशीन का मैक जो है फिर देखो दूसरे सिस्टम पे भी अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है, है? ग्रेजुअली ये चेंज होता रहता है। अभी देखना थोड़ी देर में ये सभी का ऐसे जो अटैकर मशीन का मैक है वो सब, अभी फिर से देखो गेटवे पे हुआ, देख रहा है। तो मतलब जिसपे अटैक किए सबको मॉनिटर कर रहा है, ये देखो यहाँ भी हुआ इधर भी हुआ, देख रहा है, देखो गेटवे, राइट। सो दिस इज हाउ दिस अटैक हैपेंस, सो दैट इज द रीजन व्हाई। सो मैं आपको इसीलिए, ये डिटेक्शन टूल है, क्या है डिटेक्शन, और इसकी खासियत क्या है कि जैसे ही अटैक स्टार्ट होगा इमिडिएटली वो आपको दिखा देगा, और इसमें ये भी दिखाएगा आपको कि कौन से आईपी सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा। दिस इज अ गुड प्रोग्राम, दिस इज अ गुड प्रोग्राम, स्निफिंग एआरपी एक्सएआरपी द सिक्योरिटी टूल दैट हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर डिटेक्ट एआरपी अटैक एंड इंश्योर डेटा प्राइवेसी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द These are some of the detection mechanism, detection tools जो आप use कर सकते हैं XARP। वैसे तो network monitoring वगैरह अगर आप करते हैं तो network monitoring में भी आपको पता चलेगा कोई attack हुआ तो, है ना, so वो भी है। Now we can see Mac spoofing. Mac spoofing किस लिए किया जाता है? अभी अभी जैसे यहाँ पे Mac spoofing का मतलब क्या है? अगर Mac spoofing means आप देख सकते हो कि यहाँ पे Mac security की बात हो रही है हर जगह पे, Mac flooding को रोकना है तो Mac binding, है ना? आपको अभी suppose कोई ऐसे network से आपको connect करना है जिस नेटवर्क में आपके सिस्टम अलाउड नहीं है। आपका सिस्टम अलाउड का मतलब कि आपका मैक एड्रेस वहां पे रजिस्टर्ड नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिनेरियो क्या है
कि आपका नेटवर्क उस आपका सिस्टम उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए आपका सिस्टम अलाउड नहीं है, मीन्स वो स्विच के अंदर आपका मैक एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं। तो मैक अभी आपके पास ये लिस्ट तो आप निकाल सकते हैं आसानी से कि उस नेटवर्क में कौन कौन से सिस्टम अलाउड है और उनका मैक एड्रेस क्या है। ये आसानी से वाईफाई में एक हम एरो डंप एनजी कमांड चलाते हैं, एक टूल है जिसमें हमको बिना उस नेटवर्क में कनेक्ट किए भी नेटवर्क के सिस्टम की लिस्ट मिल जाती है जो अवेलेबल। तो उस केस में आपका कौन कौन से मैक एड्रेस अवेलेबल है रजिस्टर्ड, वो मैक मिल गया तो उसमें से एक मैक आपको लेना है और अपने सिस्टम पे वही चेंज कर देना है, इसको बोलते हैं मैक स्पूफिंग। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई रजिस्टर्ड भी है तो वो सिस्टम का मैक अगर आपने अपने सिस्टम में कर लिया और फिर आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आप हो जाएंगे क्योंकि उसका क्राइटेरिया चेक करने क्या है कि दिस मैक एड्रेस इज मैचिंग और नॉट। मैक स्पूफिंग नॉर्मली अगर पूछोगे किसी नेटवर्क इंजीनियर से कि मैक को स्पूफ कर सकते हैं या नहीं, मैक को स्पूफ कर सकते हैं नहीं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता बिकॉज ये फिजिकल एड्रेस इट्स रिटन ऑन दैट हार्डवेयर NIC जो आपका कार्ड होता है उस पर होता है। बट OS लेवल पे स्पूफिंग कर सकते हैं ना, और आपका जो ये सब चेक करते हैं ये OS लेवल पे चेक करते हैं, कोई आप फिजिकली चेक नहीं करता। अभी जैसे राउटर जो चेक करेगा वो तुम्हारे चिप के अंदर क्या मैक एड्रेस है वो नहीं चेक करेगा ना, OS पे क्या स्टोर्ड है वो चेक करते हैं। तो अटैकर आसानी से मैक स्पूफिंग कर सकते हैं। ठीक है, तभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैक स्पूफिंग कैसे करते हैं, मैक डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। अभी कई बार देखो मैक के थ्रू बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेड एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं कई बार कि जो एक लाइसेंस के साथ आते हैं, मतलब वन यूजर सिंगल यूजर है ना। तो अभी एक सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया तो दूसरे सिस्टम में अगर उसको इंस्टॉल करना चाहो कि आप चाहो कि उसको हम और जगह पे यूज करें तो उसमें वो डिटेक्ट कर लेता है कि नो ऑलरेडी यू आर यूजिंग इट है ना। तो बिकॉज आप एक मैक पे रजिस्टर्ड किए हैं इसको, अब दूसरे मैक पे आप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए डिटेक्ट करता है। अगर उसको सेम मैक एड्रेस इस सिस्टम का उसमें भी डाल दो तो कई बार वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो आप दो सिस्टम पे वो लाइसेंस यूज कर पाते हैं। बिकॉज मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है इसलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया में मैक एड्रेस को इंक्लूड करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज बीइंग यूज्ड, सेम लाइसेंस इज बीइंग यूज्ड इन अ डिफरेंट सिस्टम, राइट। तो मैक स्पूफिंग करके अब मैक स्पूफिंग जैसे मेरे नेटवर्क में 10 सिस्टम है, 10 का 10 हम सेम मैक एड्रेस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा मैक स्पूफिंग से हो सकता है। इसलिए अगर आपको कभी भी मैक एड्रेस को रियल में वेरीफाई करना है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है तो OS के थ्रू चेक नहीं करना चाहिए। जैसे अभी OS के थ्रू चेक करने का मतलब क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल, इफ आई गो विद दिस कमांड लाइन एंड इफ आई गो हियर ipconfig/all, गेटिंग दैट। यहाँ पे देखो मेरा वायरलेस से मैं अभी कनेक्टेड हूँ, सो इन दैट केस माय मैक एड्रेस इज 3C6A7676688, राइट। ये क्या है हमारा मैक एड्रेस है, ठीक है, ये है मैक एड्रेस। लेकिन ये मैक एड्रेस जो है आपका ये अभी OS के थ्रू आपने रिट्राइव किया है, राइट। तो अभी अगर मैंने चेंज किया, सपोज स्पूफ किया, लेट्स टेक एग्जांपल, अभी याद रखना इसको 3C6A समथिंग रिमेम्बर दैट, ओके। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या किया, आई हैव सपोज हियर TMAC, ये एक सॉफ्टवेयर है, टेक्नेटियम मैक चेंजर, व्हाट इज कॉल्ड टेक्नेटियम मैक एड्रेस चेंजर, ठीक है। और ये इसका भी यूज कर सकते हैं लिनक्स के केस में, SMAC है और लिनक्स में SMAC, मैक चेंजर, कई सारे सॉफ्टवेयर आजकल हैं,
अब यहाँ पे देखो आप, अभी जैसे मेरा वाईफाई का है 3C6A समथिंग है ना मैक एड्रेस, यहाँ पे ये करेक्ट वन दिखा रहा है अभी, और मैं चाहता हूँ कि ये मैक एड्रेस, यहाँ से मैंने क्या किया रैंडम मैक एड्रेस पे क्लिक किया, अभी जो भी मैक चाहिए तो जितने बार क्लिक करोगे अलग अलग मैक यहाँ पे आएंगे। अब इसमें से कौन सा मैक तुमको अप्लाई करना है, मतलब इंस्टीड ऑफ दिस रियल वन ओएस लेवल पे जो चेंजेस आप करना चाहते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे चेंज नाउ करूंगा, थोड़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा फिर कनेक्ट होगा, मैक चेंज कर रहे हो तो आपका कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी देखो दिख रहा है क्या कुछ चेंज हुआ? अब वहां पे अगर मैं कमांड लाइन पे जाता हूँ सीएमडी एंड आईपी कॉन्फ़िग आई गो विद वायरलेस नेटवर्क में अगर जाओ आप, अच्छा आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑन, This is called Mac spoofing. अब मैं इस सिस्टम से जो भी कम्युनिकेशन करूंगा, जो भी पैकेट्स हमारे कोई अगर कैप्चर कर रहा है मॉनिटरिंग कर रहा है तो उसको क्या दिखेगा? ये मैक एड्रेस दिखेगा, उसको ओरिजिनल मैक एड्रेस नहीं दिखेगा। अभी ओएस लेवल पे पीसी रिस्टार्ट करने के बाद भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। पीसी रिस्टार्ट भी किए, आप रजिस्ट्री से भी ये चेंजेस कर सकते हो और ये टूल के थ्रू भी कर सकते हो, और आप इस मैक स्पूफिंग यहां से भी कर सकते हो परमानेंटली, मतलब ओएस को जैसे फॉर्मेट कर दिया रिस्टेट कर दिया तो उस केस में फिर ओरिजिनल फिर से आ जाएगी। हार्डवेयर एड्रेस जो है हार्डवेयर चेंज करने के बाद ही चेंज होगा, ठीक है। ये हुआ स्पूफ, इसको चेंज नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? स्पूफ, टेम्परेरी चेंजेस, टेम्परेरी चेंजेस यू हैव डन। नहीं हुआ ना, डिस्कनेक्ट हुआ फिर से कनेक्ट हुआ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक एड्रेस चेंज होने से इंटरनेट आपका वर्क करता रहेगा, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इसमें क्या कर सकते हो तुम, मैक स्पूफिंग, ठीक है। तो आप इसलिए तो पोर्ट सिक्योरिटी हम लोग यूज करते हैं, तो मतलब हमारा आईपी मैक एंड पोर्ट सारे क्राइटेरिया मैच होंगे तो अलाउड होगा। तुम प्रॉक्सी लगाया जा सकता है, मैक एड्रेस भी आपने देखा चेंज होता है, ठीक है। ये दोनों चेंज होते हैं तो इनका फिल्टरिंग करके भी क्या फायदा है अगर स्पूफ होता है, ठीक है। अटैक के केस में आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आप जैसे अभी मैक फ्लडिंग करने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ मैक एड्रेस चाहिए, तो आप सेम मैक से तो रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, बोगस मैक एड्रेसेस आपको चाहिए, आप इतने स्पूफिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में यू कैन डू एनीथिंग। मैक स्पूफिंग का बेनिफिट सिर्फ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या सिनेरियो है जहां पे मुझे रजिस्टर करना है कि एक ही सॉफ्टवेयर मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि अभी जैसे आप आजकल इंटरनेट जैसे घर पे हम लोग लेते हैं, ठीक है, और तो वहां पे क्या करते हैं कि जो भी सिस्टम में पहला सिस्टम हमारा कनेक्ट होता है उसी का मैक वो अपने सर्वर साइट पे अपडेट कर देते हैं। अब सपोज अगर वाईफाई कनेक्शन नहीं है मेरे पास, केबल से मुझे कनेक्ट करना है, लेट्स टेक एग्जांपल, तो उस केस में देखोगे दूसरे लैपटॉप या सिस्टम से इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, क्यों? बिकॉज सिंगल यूजर कनेक्शन है ना आपका, आपने इंटरनेट जो कनेक्शन लिया है तो सिंगल यूजर है, इसलिए आपके जो फर्स्ट सिस्टम आपने कनेक्ट किया उसका मैक एड्रेस वहां पे उन्होंने अलाउ किया है। अब दूसरा सिस्टम जब करोगे तो उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है, तो बोलेंगे सर मैक एड्रेस बताओ, मैक एड्रेस बताओगे तो इसको अपडेट कर देंगे, तो फिर पहले वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो वाईफाई किस में, तो इसीलिए हम वाईफाई राउटर लगाते हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस, फिर वो बार बार हमको आईएसपी को कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, शेयर्ड कनेक्शन आपको मिल जाता है। बट केबल के थ्रू आप करोगे तो उस केस में फिर वो मैक का इशू आता है,
अगर बार बार उनको पूछने के बजाय आप सेम मैक एड्रेस जितने सिस्टम या डिवाइस आपको कनेक्ट करने हैं सबका सेम कर दो तो सब में चलेगा, जिसमें भी केबल लगाओ उसमें इंटरनेट चलेगा, ऐसा है राइट। वाईफाई केस में भी ऐसा ही है, सपोज यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क बट योर मैक इज नॉट अलाउड, सो वॉट यू डिड इज यू हैव गॉट द लिस्ट ऑफ मैक एड्रेस, रजिस्टर्ड मैक एड्रेस, एंड देन वन ऑफ द मैक एड्रेस यू हैव टेकन एंड changed in your system and then you can connect, correct? Spoofing. क्या है spoofing? Mac spoofing. अभी मेरे system में spoofing हुआ है. अगर आपको previous state में जाना है तो फिर से करेंगे restored original. क्या करेंगे? हाँ. So it's not done, right? So previous MAC address आ गया आपका. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. वैसे चाहिए तो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके नेटवर्क प्रॉपर्टी में, जब आप जाते हो नेटवर्क प्रॉपर्टीज में, कहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ से चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाना है आपको, और इसमें जो वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा है इसके प्रॉपर्टी में जाओ और IPv4 IPv4 ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करो और कॉन्फिगर में जाओ. कहां पे? हाँ, कॉन्फिगर. तो यहां पे आप जाओगे तो आपको एडवांस ऑप्शन में जाओ. एडवांस कहां पे? एडवांस. अंडर एडवांस यू विल फाइंड समवेयर नेटवर्क एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस या फिर मैक एड्रेस. ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये अलग अलग नेम से अलग अलग सिस्टम में हो सकता है, नेटवर्क एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है, फिजिकल एड्रेस. अब देखो मेरे इस सिस्टम में ये यहाँ पे मैनुअली नहीं है मैक एड्रेस का ऑप्शन, बट आपके सिस्टम में, आप लोगों के सिस्टम में चेक करो होगा, आप लोगों सिस्टम में, तो यहां से मैनुअली भी हम चेंज कर सकते हैं. मेरे सिस्टम में यहाँ पे मैनुअल के लिए ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टी मैक है, ये तो बेस्ट ही है, आपको फिर मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है. सो दिस इज कॉल्ड मैक स्पूफिंग, राइट? So this attack allow attacker to gain access to the network and take over someone's identities. So this technique can be used to bypass wireless access point MAC filtering. यहाँ पे देखो special note लिखा है कि this technique can be used to bypass wireless access point MAC filtering. Basically उसके लिए ज्यादा ये करते हैं लोग, wireless को bypass करेंगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे screenshot में Windows 10 के आपको वो देखो network address का section दिख रहा है, जो मैं दिखा रहा था, है ना, यहाँ पे है, तो आपको आपको दिखेगा, मतलब आपके system में आपको मिलेगा. तो ये अलग अलग names होते हैं, जैसे network address, MAC address, physical address, hardware address, किसी भी नेम से है तो आप चेक कर सकते हैं. मैक एड्रेस जो है आपका 48 बिट का एड्रेस होता है, मतलब अगर इसको टाइप करना हो तो 12 डिजिट, 0 to 9 A to F हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में. तो 12 डिजिट के लिए 0 टू 9 मींस 10 एंड A टू F में AB AC AD जो भी करना है आपको, है ना, हेक्साडेसिमल है, मतलब नॉट ओनली न्यूमेरिकल, हेक्स वैल्यूज, अल्फाबेट भी आप यूज कर सकते. देखो रजिस्ट्री का भी लोकेशन दिखा रहा है, रजिस्ट्री से भी आप चेंज कर सकते हैं मैक एड्रेस, मतलब रजिस्ट्री में जाके लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट, है ना,
देख रहा है, सो दैट एड्रेस इज देयर, दिस एड्रेस इज देयर, आप लोग इसको यहां से भी चेंज कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्री में जाके चेंज कर सकते हैं। लिनक्स में अगर ये चेंज करना हो आपको, तो लिनक्स में मैक चेंजर एंड आपका एस मैक, ये दोनों टूल अवेलेबल है। जैसे काली में जाओगे तो मैक चेंजर तुमको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, काली में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है मैक चेंजर। जैसे एस मैक भी है, एस मैक है ना, मैक एड्रेस चेंजर, ये इसकी मैं बात कर रहा है, ये भी काली में है, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैक चेंजिंग इज नॉट अ बिग डील, ये बहुत आसानी से आज के रेट में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम मैक स्पूफिंग कर पाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक न्यू प्रोटोकॉल है IRDP स्पूफ। बेसिकली ये जो है आपका, इसको इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये है आपका ICMP राउटर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है IRDP, इट्स नॉट लाइक जैसे अभी जो प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें नहीं आता, ये राउटिंग प्रोटोकॉल। सो दैट अलाउ अ होस्ट टू डिस्कवर द IP एड्रेस ऑफ एक्टिव राउटर्स। जैसे अभी आप इस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और आप सोच रहे हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन से राउटर एक्टिव हैं, वो चेक करना है आपको, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं एक्टिव राउटर में। अटैकर कई बार क्या करते हैं, खुद का राउटर भी आपके एनवायरनमेंट में सेटअप कर देते हैं, मैलिशियस राउटर, जिससे यूजर उस राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, आपके फिजिकल डिवाइस को चेंज कर देते हैं लोग, और आपको लगेगा कि नहीं आपका ही डिवाइस कनेक्टेड है। अब उन्होंने जो उसमें जो भी इम्प्लांट किया होगा उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके थ्रू वो भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अभी एक एक प्रोजेक्ट आया था हमारे पास, वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये थी कि टेलीविजन पे यूजर क्या क्या देख रहा है वो पूरी मॉनिटरिंग करना है। स्मार्ट टीवी पे यूजर क्या देख रहा है वो कंप्लीट मॉनिटरिंग करना है, मतलब कौन कौन से चैनल देखता है, क्या क्या करता है, कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करता है, वो पूरा मॉनिटरिंग करना है, राइट, टीवी पे। तो जैसे अभी सिस्टम को हम लोग मॉनिटर करते हैं, राइट, तो टेलीविजन पे ऑलरेडी वो एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल्ड है आजकल, तो एंड्रॉइड जैसे फोन जैसे ही टीवी है, राइट, सारे एप्लीकेशन उसमें भी होते हैं। नहीं नहीं लेकिन वहां पे ऐसा है कि ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो आपका वो टीवी और आपका जो ये है दैट केबल, वो जो टाटा स्काई एंड ऑल है ना, उसके थ्रू टीवी में क्या देख रहे हैं वो देखते हैं। कौन सा? नहीं नहीं ये रिक्वायरमेंट आई है कि ऐसा ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई टेक्निक करना है यूज जिसके थ्रू हम टीवी के एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके, बड़े स्केल पे इसकी रिक्वायरमेंट है। टीवी की मॉनिटरिंग मतलब चाहे वो केबल के थ्रू चल रहा है या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड हो या कैसे भी, ठीक है, सारे एनवायरमेंट। मतलब ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई हार्डवेयर जो इनबिल्ट, मतलब ऐसा जो जो सेटअप बॉक्स आते हैं उसके साथ अटैच कर दिया जाए जिसके थ्रू हम ग्लोबल मॉनिटरिंग करें, मतलब जहां जहां पे वो डिवाइस यूज हो रहा है सबकी एक्टिविटी। तो इससे हाँ तो कैसे करेंगे, वही तो रिक्वायरमेंट, ठीक है। हाँ या टेल मी, टेल मी, क्या बोल रहे हो? कैप्चरिंग डिवाइस कौन सा कहाँ अटैच करोगे? सेटअप बॉक्स और उसके बीच में जो केबल लगाते हो उसमें, है ना? नहीं 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 नहीं
नहीं होता है। चलो ठीक है, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है। सो नाउ यू गाइस सी हियर, तो आईआरडीपी स्पूफिंग जो है आपका वीलैन होपिंग, राइट, ये क्या है, कुछ और कॉन्सेप्ट है। देखो यार, वीलैन का, वीलैन तो आप लोगों को पता है, वीलैन के बारे में सुना है आप लोगों ने, वीलैन वर्चुअल लैन, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल लैन। सो देयर इज आल्सो वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड वीलैन होपिंग, इज अ टेक्निक यूज टू टारगेट नेटवर्क रिसोर्स प्रेजेंट ऑन वर्चुअल। इसमें भी स्विच स्पूफिंग मेथड यूज होता है, ठीक है। तो अटैकर कनेक्ट टू रोग स्विच, रोग स्विच का मतलब फेक स्विच, इसके लिए फेक स्विच एक इंप्लीमेंट करना होता है उसी सेम नेटवर्क में, ठीक है। अनऑथराइज्ड ट्रंक, ये स्विच है, रोग स्विच, फेक स्विच, दिस इज अ लेजिटिमेट स्विच, यू कैन सी, राइट। और ये क्या करते हैं, अटैकर कनेक्ट रोग स्विच इनटू नेटवर्क बाय ट्रिकिंग लेजिटिमेट स्विच एंड देयर बाय क्रिएटिंग अ ट्रंक लिंक बिटवीन देम। मतलब इस स्विच और स्विच के बीच में लिंक क्रिएट होता है और फिर इस पे क्या चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से कनेक्ट करता है, स्पूफ कर पाता है, ठीक है। तो मेनली इसमें स्नीफिंग में आपके डीएससीपी अटैक, मैक फ्लडिंग अटैक, एआरपी पॉइजनिंग अटैक, मैक स्पूफिंग अटैक, राइट, ये सब रियल में प्रैक्टिकली मतलब बहुत आसानी से लॉन्च हो सकते हैं और इनके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है, ठीक है। इसलिए आपको इनको सिक्योर करना है, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डबल टैगिंग, क्या होता है डबल टैगिंग, यूजिंग डबल टैगिंग द अटैकर एड एंड मॉडिफाई टैग इन द इथरनेट फ्रेम, thereby allowing the flow of traffic through any VLAN in the network. The ethernet frame that is sent by attacker contains two 802.1q tag, inner and outer tag. Okay, so when the switch receives the ethernet frame, it is strip of the router tag, as it is the same as the tag for the native VLAN. मतलब ये टैग के थ्रू स्पूफिंग होता है, जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है, जो पैकेट्स हैं, जो फ्रेम्स हैं, आपको पता है ना कि आप जब रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई, तो आपका ओएसआई लेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग पहले फिजिकल लेयर के थ्रू जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है वो बिट फॉर्मेट में जाता है, 01, है ना, फिर दूसरे लेयर पे वो कन्वर्ट होता है फ्रेम्स में, है ना, फ्रेम में होता है कन्वर्ट। डेटा लिंक लेयर पे डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, फ्रेम रहता है। फिर थर्ड लेयर पे क्या होता है, हाँ, पैकेट। फिर उसके ऊपर हाँ क्या रहता है डेटा का फॉर्मेट, सेगमेंट बोलते हैं, हम लोग करते हैं अभी, ये पीडीएफ हम रीड कर रहे हैं, ये सब एप्लीकेशन लेयर का काम है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे केबल से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, आप डेटा, ये आपका नेटवर्क केबल से आप कनेक्टेड हो, केबल को कनेक्ट करना इज अ फिजिकल लेयर्स पे आता है, ठीक है। फिर उसके थ्रू जो तुम लोग अभी अभी देखो, आप आपको यहाँ पे जो यहाँ से ये जो एप्लीकेशन लेयर पे जो चीजें आप एक्सेस कर रहे हो, तो मतलब आपके फर्स्ट लेयर से चीजें स्टार्ट होके तब भी ये आपके सामने है। एप्लीकेशन लेयर इज द लास्ट लेयर, सेवेंथ लेयर, राइट। वही मैंने आपको एक सेशन में आई थिंक बोला था कि ओएसआई लेयर को अच्छे समझोगे तो सिक्योरिटी या कोई भी चीज समझना बहुत आसान हो जाता है ओएसआई लेयर। नहीं नहीं, उसके लिए आप ओएसआई लेयर से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो वो लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, वीडियोस मतलब कि कैसे लेयर, एग्जांपल देखें, एग्जांपल के थ्रू, राइट, कि अभी कैसे आप, जैसे अभी मान लो मुझे यहाँ से एक एक कोई व्हीकल जो है ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से किसी और सिटी में, ठीक है, और कुरियर के थ्रू भेजना, मे बी साइकिल है, है ना, क्या है, साइकिल है, उसको तो क्या ऐसे पूरी की पूरी साइकिल कुरियर से भेजोगे आप कि उसको पहले डिसेंबल करो,
यू हैव टू डिसेंबल इट राइट एवरी पार्ट यू हैव टू डिसेंबल और फिर हर पार्ट को आप कुछ तो ऐसा नंबरिंग या कुछ दोगे इसलिए कि टारगेट को पता नहीं है कि इसको कैसे असेंबल करते हैं तो आप उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं ठीक है फिर आप डिसेंबल करने के बाद उसको पैक करते हैं पैकेजिंग करते हैं फिर एड्रेस डालते हैं फिर है ना सेंडर कौन है रिसीवर कौन है फिर ऐसे आप जाते हो ना स्टेप बाय स्टेप तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको मिलेंगे जो क्लियरली आपको ये बताएंगे अब यहां से आपने भेजा वहां तक पहुंचने की प्रोसेस जो है फिजिकल लेयर से लेके और टारगेट तक अभी पहुंच गया अब टारगेट को फिर से वो प्रोसेस को रिपीट करके फिर से रिसेंबल करना है जो पहले जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में उसको लाके देना है हम लोग भी यही करते हैं ओएसए लेयर पे क्या होता है आपका डेटा यहां से फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर फिर एप्लीकेशन टू देन इट 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 ऐसे जाता है ना आपका दिस इज हाउ एनकैप्सुलेशन राइट तो ऐसे समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ठीक है तो देखा करो थोड़ा सा इंटरनेट पे बैठते हो तो ओएसआई लेयर वॉकिंग चेक करो यूट्यूब के वीडियोस मिलेंगे और बहुत मिलेंगे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है लॉजिकली समझने के लिए सब चीजें एसटीपी अटैक एसटीपी आपने देखा था कि एसटीपी का ऑप्शन था भी उसमें एर्सिनिया में एर्सिनिया वॉज हैविंग लेयर टू पे जितने प्रोटोकॉल है सबके थ्रू अटैक कर सकते हो आप जिसमें एक हमने डीएससीपी देखा था तो एसटीपी से रिलेटेड करना है तो वो भी वहां पे है एसटीपी अटैक करना है आपको डीएससीपी करना है आपको डीटीपी अटैक है एमपीएलएस से रिलेटेड है उसमें बहुत एर्सिनिया में कई सारे प्रोटोकॉल थे एसटीपी को क्या बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अटैकर कनेक्ट अ रोग स्विच इन टू द नेटवर्क टू चेंज द ऑपरेशन ऑफ एसटीपी प्रोटोकॉल एंड स्निप ऑल द नेटवर्क ट्रैफिक एसटीपी इज यूज्ड इन LAN switched network with the primary function of removing potential loops within the network. Okay. So ये अभी normally हम लोग HTTP वगैरह देखो HTTP and और जो protocol की बात कर रहे थे हम लोग जैसे IRDP and all right. तो सभी protocol की अलग अलग requirement है कब कौन सा कहाँ पे use होगा ये by default हर जगह पे नहीं होते आप कौन कौन से protocol use करना है जब आप उसको use में लेते हैं तब फिर उस पर अटैक होने के चांसेस होते हैं जैसे अभी एआरपी डीएससीपी मैक ये तो बाय डिफॉल्ट हर जगह पे यूज होते हैं है ना जो स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं स्पेशलाइज्ड जो प्रोटोकॉल हैं जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है ठीक है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको आप यूज में लाते हैं तो उस केस में आपको यू हैव सो देयर एवरी प्रोटोकॉल हैव सम वीकनेसेस जो भी आप यूज करने वाले हैं सबका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक कुछ ना कुछ वीकनेस है और उससे रिलेटेड अटैक्स आपको मिलेंगे अभी आपको अगर ये पता चल गया कि इस नेटवर्क में ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं एनमैपिंग आपको फर्स्ट लेक्चर में जब हमने बताया है तो उसका मेन इंटेंशन यही था कि तुम्हारे पास ये लिस्ट कभी भी निकाल लो कुछ मिनट्स में कि यहाँ पे कितने पोर्ट्स ओपन है कौन से प्रोटोकॉल यूजर है कौन से सर्विसेज यूज फिर उसके हिसाब से हम कौन से अटैक कहाँ पे हो सकते हैं आसानी से सर्च कर सकते हैं listing out which attack happens on this type of protocol this type of service this is the version attack is possible or not aap simple discovery research bhi karoge to aapko pata chal jayega right isliye aapko wo karna hai how to defend against mac spoofing ab dekho mac spoofing ke liye bhi dhcp snooping binding jo aapne dhcp ke liye kiya tha dynamic arp inspection jo arp ke liye aapne kiya and ip source guard ये तीन टाइप की सिक्योरिटी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका मैक स्पूफिंग भी स्टॉप कर सकते हैं दिस इज द डिफेंस दिस इज द डिफेंस मतलब यहां भी वही आपका जो ऊपर आपने डीएससीपी और इसके एआरपी के लिए किया था सिक्योरिटी वही यहां पे भी यूज करना है राइट सो यूज दैट ऑप्शंस मैक स्पूफिंग को स्टॉप करने के लिए यहां पे आपका डिफेंस है वीलैन का भी डिफेंस है देखो सभी का सिक्योरिटी कहां से इनेबल करना है आपको स्विच है ना एसटीपी केस में भी कहां से इनेबल करना है स्विच स्विच डेफिनेटली दिस ऑल कॉन्सेप्ट दिस इसलिए आपको स्विच कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका वहां पे ये सभी नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी अटैक्स हैं उसका काउंटर मेजर मोस्टली स्विच पे
आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डीएनएस पॉइजनिंग टेक, व्हाट इज कॉल्ड डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस तो पता है आप लोगों को व्हाट इट डज अ ट्रांसलेशन बिटवीन योर सिस्टम एंड द एक्चुअल टारगेट सिस्टम। ट्रांसलेशन मतलब डोमेन नेम टू आईपी, आईपी टू डोमेन। डीएनएस पॉइजनिंग का मतलब होता है कि इट्स अटैक DNS server into believing that it has received authentic information when it has not received any. It result in a substitution of false IP address at the DNS level where the web address are converted into numeric IP address. मतलब attacker क्या करता है, आपके real DNS server पे poisoning करके, या फिर DNS spoofing भी बोलते हैं। There is a concept called. अभी DNS क्या करता है कि आप एक एक ऐसा, जैसे अभी आपको सपोज ये करना है, कॉल करना है, मतलब आपके पास ऐसे 100 लोगों की लिस्ट है और आपको जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो आप उनके नंबर को याद नहीं है आपको किसी के नंबर, ठीक है, बट आपको आपने एक डायरेक्टरी बना के रखा है नोट्स, है ना, सभी के नेम एंड प्लस नंबर, नेम एंड नंबर। जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको लेते हैं और उसके थ्रू चेक करते हैं कि ये नेम ये नंबर है, कॉल कर, ठीक है। अभी सपोज वो लिस्ट को किसी ने चेंज कर दिया, नंबर भी है नेम भी है बट सफल कर दिया, मतलब इसके नेम के सामने से वो नंबर को किसी दूसरे के नेम पे डाल दिया और वहां से यहाँ कर दिया, फिर आप क्या करोगे उस केस में, कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल नंबर क्या है? नहीं पता चलेगा ना, सही। उस केस में फिर तो आपका पूरा स्पूफ हो गया। आप कनेक्ट इनको करना चाहते हैं, कनेक्ट कहीं और से हो रहा है। डीएनएस स्पूफिंग में सेम चीज होता है, मतलब आपका जो google.com कोई यहां से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी प्रॉक्सी जब आप लगाते हो अपने सिस्टम पे, उसको भी डीएनएस स्पूफिंग का एग्जांपल आप मान सकते हैं, क्यों, बिकॉज वो भी प्रॉक्सी डीएनएस में आता है। तो अभी प्रॉक्सी जब आप लगाते हो, तो प्रॉक्सी जब सिस्टम में लगाते हो ब्राउजर में या सिस्टम लेवल, तो आप जब भी कोई ब्राउजिंग एक्टिविटी करने जाते हो तो आपका रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर को नहीं जाता, वाया प्रॉक्सी आईपी जाता है, वाया प्रॉक्सी। आप देखो, हमने प्रॉक्सी लगाया था, फिर हमने व्हाट इज माय आईपी चेक किया, तो वो प्रॉक्सी आईपी दिखाता था, पब्लिक मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस जो है कन्वर्ट होता है, प्रॉक्सी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, वाया। प्रॉक्सी का मतलब होता है वाया, नॉर्मली प्रॉक्सी मीन्स वाया। अभी किसी ने मेरे सिस्टम का प्रॉक्सी सेटिंग चेंज कर दिया अनऑथराइजिंगली, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में प्रॉक्सी कुछ और यूज हो रहा है? आपका इंटरनेट चल रहा है, आपका ब्राउजिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट जो भी तुम कर रहे हो, अभी जैसे मैं इस नेटवर्क में बैठा हूं, लेट्स टेक एग्जांपल, अभी मेरा आईपी एड्रेस मैं अगर किसी के सिस्टम में प्रॉक्सी में डाल दो, मेरे सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस, तो अभी वो जो सिस्टम में कर रहे हैं मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, बिकॉज अभी उनका सिस्टम मेरे सिस्टम को एज अ प्रॉक्सी सर्वर कंसिडर करेगा, एंड वाया दिस सिस्टम द कम्युनिकेशन विल हैव। तो डीएनएस स्पूफिंग का मतलब क्या है? डीएनएस जैसे अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस यूज करते हैं, जैसे अभी जियो का कनेक्शन लिया तो जियो का डीएनएस सर्वर है ना, तो इनके डीएनएस यूज करते हैं। नॉर्मली अगर कंपनीज की बात करो, कंपनीज के उनके खुद के इंटरनल डीएनएस भी होते हैं, डीएनएस सर्वर खुद का भी आप सेटअप कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपका एक इंटरनल डीएनएस हो, यहां से फिर वो एक्सटर्नल डीएनएस से कम्युनिकेट करे, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दो डीएनएस सर्वर से आप कम्युनिकेट करें, सिक्योरिटी थोड़ी आपकी इंप्रोवाइज हो जाती है डायरेक्टली। अभी हम लोग जैसे इंडिविजुअल यूजर एज एन डीएनएस सर्वर से खुद का सेटअप नहीं करते, हम उन्हीं का एड्रेस यूज कर लेते हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइडर का। तो डीएनएस पॉइजनिंग का लॉजिक क्या है, अभी मैं फिशिंग अटैक आपको बताने वाला हूँ। सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग सुना है आप लोगों ने? फिशिंग, फिशिंग नॉर्मली क्या होता है? फिशिंग व्हाट इट डज, फिशिंग अटैक में आप लोग, फिशिंग का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली क्या करते हो, एक कोई ऐसा लेजिटिमेट दिखने वाली साइट, या फिर कोई बैंकिंग का हो सकता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है, इंस्टाग्राम का हो सकता है, लिंक्डइन का हो सकता है, तो आपने एक ऐसा फेक पेज जनरेट किया है जो सेम उसी के जैसे दिखता है,
और आपने एक लिंक भी क्रिएट किया, उस पेज को आपने कहीं इंटरनेट पे होस्ट किया है, सो दैट इंटरनेट के थ्रू हम उस पेज को एज अ एक्सेस कर पाए, और आपने किसी को मेल पे लिंक भेज दिया हाइपर लिंक में कन्वर्ट करके instagram.com। अभी मैं दिखाऊंगा वो प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो आपके पास जो लिंक आया एक्चुअल में instagram.com ही, राइट? बट एक्चुअल में instagram.com वो आपको दिख रहा है, उसके पीछे कुछ और है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो फेक जो पेज है फिशिंग वाला है वो आएगा, जो एकदम इंस्टाग्राम जैसे दिखता है। और जैसे आप आईडी पासवर्ड, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ आईडी पासवर्ड के लिए फिशिंग किया जाता है, अभी सपोज कोई फॉर्म मैंने भेजा आपको कि बैंकिंग का फॉर्म है उसको फिल करो, और या फिर कोई पेमेंट से रिलेटेड है उसमें फेक फॉर्म भेजा मैंने जहां पे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी पूछ रहा है, जितने सेक्शन में डालूंगा इनपुट बॉक्स डालूंगा उतने सेक्शन हो गए ना, तो आप जितनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल के सबमिट करोगे सब कहां जाएगा? हैकर के पास। फिशिंग पेज में क्या होता है, फेक पेज, इट टेक्स योर आईडी पासवर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन व्हाट एवर यू आर गोइंग टू मेंशन इन दैट पेज, बिकॉज यू आर बिलीविंग दैट कि दिस इज योर रियल इंस्टाग्राम एंड यू आर गिविंग योर रियल आईडी पासवर्ड, तो आईडी पासवर्ड आपका कहां चला जाता है? हैकर के पास चला जाता है, और फिर आप रिडायरेक्ट होकर एक्चुअल इंस्टाग्राम पे आते हो सेकेंड टाइम, तब आपको लगेगा ये लॉग इन क्यों नहीं हुआ, तो यू बिलीव दैट कि माइट बी यू हैव गिवन मे बी रॉन्ग पासवर्ड और समथिंग लाइक दैट, फिर आप रियल आईडी पासवर्ड डालते हैं और अपने अकाउंट पे लॉग इन हो जाते हैं। बट फर्स्ट टाइम जो आपने किया वो कहां गए? अटैकर के पास। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक, है ना? व्हाट इज कॉल्ड फिशिंग। इसका प्रैक्टिकल है मैं दिखाऊंगा। तो डीएनएस पॉइजनिंग जो है आपका वो फिशिंग अटैक का भी एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कितने टाइप्स में हो सकता है। एक तो इंटरनेट डीएनएस स्पूफिंग दिख रहा है यहाँ पे, राइट? इसमें क्या हो रहा है, जॉन क्या है, एक यूजर है, एक्चुअल यूजर, और ये आपका जॉन इस सर्वर से एक्चुअल में कम्युनिकेट करना चाहता है, xsecurity.com, isn't it? This is the real। अब हुआ क्या कि जॉन ने जैसे ही डीएनएस रिक्वेस्ट भेजा, राइट? तो ये जब ये लिंक आया था इसको एक ईमेल पे, और इसको एक्चुअल में ये वेबसाइट एक्सेस करना था जो भी पर्पस के लिए होगा, बट ही वांटेड टू एक्सेस सो ही गॉट द लिंक। अब जैसे कई बार हम लोग क्या होता है कि इंक्वायरी किए, जैसे जॉब से रिलेटेड कि लुकिंग फॉर जॉब, है ना? तो स्कैमर्स को भी डिटेल मिल जाता है कि ये बंदे को जॉब चाहिए, ठीक है? तो क्या करते हैं, ऐसे स्पूफ्ड फेक क्या करते हैं, आपको मेल भेज देते हैं फेक लिंक के साथ, राइट? और वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो अभी जैसे देखो, इसने जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया तो फर्स्ट प्रोसेस देखो अगर क्या है, अटैकर ने यहाँ पे ऑलरेडी आपके नेटवर्क में बैठ के और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑलरेडी स्नीफिंग कर रहा है, देख रहा है? मतलब स्विस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। तो हुआ क्या, जब जो जैसे अभी पॉइजनिंग अटैक आपने किया था ना, एआरपी पॉइजनिंग, एआरपी पॉइजनिंग का सेम सिनेरियो है। मैंने अटैक कर दिया, आपके स्विच पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है। अब जो भी यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा इस स्विच के थ्रू, तो वो डाइवर्ट होके कहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है, देख रहा है? दिस इज द फर्स्ट स्निफिंग स्टार्टेड, दिस इज द सेकेंड, डीएनएस रिक्वेस्ट इज बीइंग सेंट टू द स्विच, एंड यहां पे देखो अब अटैकर है। अटैकर को जब ये रिक्वेस्ट मिला तो अटैकर इंस्टीड द ये जो सर्वर है यहां से रिस्पॉन्स जाना चाहिए एक्चुअल में, है ना? बट उसके वहां तक तो पहुंच भी नहीं रहा उसका रिक्वेस्ट, तो इसने क्या किया, फेक रिस्पॉन्स जनरेट किया और इसको भेज दिया, देख रहे हैं आपको? अब जब इसको ये रिस्पॉन्स गया तो इसने जब उस पर क्लिक किया तो ये कनेक्ट हो गया फेक साइट से, देख रहे हैं? फेक वेबसाइट से कनेक्ट हुआ, xsecurity.com, इसको देखा आईपी भी अलग है। अब जब इस पे कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन ये साइट पे पूछ रहा है उसने डाला, तो ये इंफॉर्मेशन क्या हुई, ये जो है आपका ये अटैकर ने कैप्चर कर लिया, और फिर आप रिडायरेक्ट होके रियल वेबसाइट ओपन होगी। मतलब इस यूजर को बाद में ये फाइनल ये साइट आएगा उसके सामने, बट इतनी प्रोसेस के बाद आएगा। दिस इज द एग्जाम्पल, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये फिशिंग का भी एग्जाम्पल है और डीएनएस का भी, डीएनएस सर्वर की हम बात कर रहे हैं। इंट्रानेट डीएनएस स्पूफिंग, इंट्रानेट, तो यहाँ पे आरपी पॉइजनिंग इंट्रानेट डीएनएस स्पूफिंग में भी आता है, जो अभी आपने देखा था केन की।
ठीक है, और इट वर्क वेल अगेंस्ट स्विचेस विद एआरपी पॉइजन, है ना। अब देखो दूसरा मेथड है यहां पे, इंटरनेट इंटरनेट डीएनएस स्पूफ, देखें इंटरनेट। अब यहां पे सिनेरियो देखिए आप क्या है, अटैकर ने क्या किया, ये अटैकर है ना। अटैकर व्हाट ही डिड इज अटैकर इन्फेक्ट जॉन कंप्यूटर बाय चेंजिंग दिस डीएनएस आईपी एड्रेस टू दिस, मतलब सीधे इसने क्या किया, कोई एक यहां से स्क्रिप्ट भेजा, जैसे बैच फाइल बैच प्रोग्राम मैलवेयर आपने पढ़ा था, है ना। अब ऐसे स्क्रिप्ट अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली क्लिक करते हुए चेंजेस आपके सिस्टम में कर देंगे। अब इसने क्या किया, ऐसा कुछ भेजा इन्फेक्टेड फाइल जिसको इसने क्लिक किया, और क्लिक करते ही ये जो इसका, ये इसका जो आईपी एड्रेस था फेक आईपी, वो इस पे सेटअप हो गया इसके सिस्टम पे। अब ये जब कोई भी एक्टिविटी कर रहा है अभी, तो इसका रिक्वेस्ट इसके थ्रू जा रहा है, देख रहे हैं, बिकॉज अभी इसका रूट जो है, जो यहां से डायरेक्ट जाना था रियल वेबसाइट पे, वो नहीं। अब अटैकर के पास रिस्पॉन्स आया डीएनएस रिक्वेस्ट, फिर इसने क्या किया, फिर से यहाँ पे देखो क्या किया, डीएनएस रिस्पॉन्स भेजा फेक साइट, अगेन गेटिंग दैट सेम सिनेरियो है, ऊपर का ही है, बट इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप जब नेटवर्क में थे तो आप स्विच को पहले से अटैक करके स्विच के थ्रू आप डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी आप दूसरे नेटवर्क में बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, आपको कोई लिंक भेजा, आपको कोई ईमेल भेजा, अटैचमेंट भेजा, उसको क्लिक किया, आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो गया, फिर उसके बाद मेरे प्रोग्राम का कम्युनिकेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ट्रोजन है ना, ट्रोजन बैकडोरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको ये लिंक जो आपने भेजा, मतलब अटैकर ने रिस्पॉन्स में भेजा, ही बिलीव दैट ही इज गेटिंग दैट लिंक फ्रॉम द रियल वेबसाइट, और फिर उसने जब क्लिक किया तो जॉन जो है फेक वेबसाइट से कनेक्ट हो गया, देख रहे हैं। और जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालता है तो ये इंफॉर्मेशन कैप्चर होके अटैकर के पास जाती है, और फिर रिडायरेक्ट होता है फाइनल, और रियल वेबसाइट आती है। रियल वेबसाइट इसलिए लाते हैं कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कुछ हुआ है, बिकॉज आपको फाइनल रिजल्ट क्या है वो देखना होता है। अभी एक बार अगर लॉगिन नहीं हुआ कोई, अगर सपोज साइट पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो क्या आपको दिमाग में आता है कि कहीं ये फिशिंग तो नहीं, बिकॉज नहीं पता है तो नहीं आएगा। अब अगर आपके पास कोई भी लिंक अगर आता है, कोई आपको बोलता है कि फेसबुक पे लॉगिन करो, आई हैव शेयर्ड सम वेरी गुड पिक्चर्स ऑफ लास्ट नाइट पार्टी वी हैड, सो यू वांट टू चेक प्लीज गो थ्रू इट। अब जैसे तुम नहीं, जैसे तुम अभी अपने बीच के ही हो कोई, है ना, सपोज, तो तुमको लगेगा कि यार ठीक है, सो यू आर मोर एक्साइटेड बिकॉज यू आर ऑल्सो इन द पार्टी, सो यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ। सो आप क्या करते हो, उस लिंक पे कॉपी क्लिक करते हो और फेसबुक के फेक पेज पे जाते हो, आपको नहीं पता होता, फिर आप अपना रियल आईडी पासवर्ड डालते हो जो आपके वो फ्रेंड के पास चला जाता है, समझ रहे। अगर आपको फेसबुक पे लॉगिन करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, उस लिंक के थ्रू ही क्यों लॉगिन करना। क्लिकिंग ऑन द लिंक एंड गोइंग थ्रू द लिंक इज द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी विच पीपल डज, यू शुड नॉट। अभी जैसे कोई बोल रहा है इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना है, ये बैंक पे लॉगिन करो, अभी एक लिंक आया कि यू कैन चेक योर अकाउंट बैलेंस, वी आर अंडर अटैक, आर बैंक इज अंडर अटैक एंड वी नेवर सेंड ईमेल और एसएमएस टू एनी ऑफ आवर क्लाइंट, बट बिकॉज इट इज इमरजेंसी सिचुएशन सो वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दैट यूजर्स शुड बी सेफ एंड सिक्योर, सो वी वॉन्ट यू टू क्विकली गो थ्रू दिस लिंक एंड चेक वेदर योर अकाउंट इज गेटिंग लॉक्ड इन और नॉट, वेदर योर बैलेंस इज still there or not, yeah absolutely, social engineering इसी को बोलते हैं ना। अभी देखो आपने उसमें क्या किया, एक चीज क्लियर पहले कर दिया कि बैंक कभी भी मेल नहीं भेजता और कभी एसएमएस नहीं भेजता, बट मैं क्यों, हम क्यों भेज रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अभी कोई दूसरा वे नहीं, तो हम कम्युनिकेट करने, तो आपको क्या करना है, आपको उस लिंक के थ्रू चेक करना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। अभी आपका अगर बैलेंस है रियल में अकाउंट में, तो आप तो टेंशन में आ जाएंगे कैसा हुआ है, तो मेरा भी हो जाएगा, ठीक है, और आप तुरंत जाते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके अपना रियल बैंक का आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, वो जाता है किसके पास, हैकर के पास।
और एक्चुअल में आप हो गए कंप्रोमाइज्ड. गॉट इट? बहुत सारे वेज हैं सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए, आपके पास वेज बहुत हैं. इनोवेटिव आइडिया ही सोशल इंजीनियरिंग होती है. और ये तो इसको ये ऐसा हो गया कि पहले डरा दिए सामने वाले को, ठीक है, स्केयर वेयर बोलते हैं इसको. पहले यू स्केयर्ड द पर्सन, राइट, और उसको ये भी बता दिया कि बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट से ऑलरेडी सारे पैसे जा चुके हैं. यू जस्ट इमीडिएटली वेरीफाई. यू आर नॉट गिविंग टाइम टू थिंक द पर्सन की, थोड़ा सोचो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हैकिंग तो नहीं है, सिक्योर है नहीं है. इतना इमरजेंसी सिचुएशन आपने क्रिएट किया है कि उसको लॉग इन करना ही पड़ेगा. इफ सपोज वो यूजर है जो अवेयर है, जैसे हम लोग हैं, पता है, तो उस केस में हमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. और चेक ही करना है तो मैं इस लिंक के थ्रू क्यों जाऊंगा, मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ मैनुअली लॉग इन कर लेता हूँ, है ना. वाई टू गो थ्रू लिंक टू चेक द बैलेंस, राइट. सो दैट लिंक मीन्स इट इज नॉट सेफ लिंक, राइट. तो सोशल इंजीनियरिंग जो है बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत इनोवेटिव वे से ईमेल लिखे जाते हैं, है ना, जो बहुत कन्विंसिंग होते हैं, जो आपको अभी जैसे एक वायरस आया था बीच में, तो उसका मेल कैसे आता था कि वी आर फ्रॉम कैस्परस की, जो जो एंटीवायरस यूज कर रहा है. अभी एंटीवायरस की इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपने पढ़ा, तो सबकी इंफॉर्मेशन आजकल निकाली जा सकती है, कौन सा यूजर कौन सा एंटीवायरस यूज करता है. तो वी आर दिस मेल इज कमिंग फ्रॉम कैस्परस की एंड द वेरी डेंजरस वायरस इज स्प्रेडिंग. अब एक्चुअल में वो वायरस है मार्केट. देखो अटैकर के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि जो चल रहा है अभी करंट में ट्रेंड, जो एक्चुअल में चल रहा है, उसका यूज करना है अपने बेनिफिट के, राइट. तो लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते, उसको 100% देखते हैं कि क्या है, राइट. अब वो वायरस एक्चुअल में बहुत तेज चल रहा था और बहुत सारा उससे इंपैक्ट हो रहा था, पीपल वर स्केयर्ड अबाउट इट. तो उसमें सडनली आपके एंटीवायरस कंपनी ने आपको एक मेल भेजा कि आपको जो है उस वायरस से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स एंड मेथड्स हम आपको बता रहे हैं, आपको कैसे अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है. एंड सो टू नो ऑल द स्टेप टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ, गो थ्रू दिस फाइल. अटैचमेंट एक आया है, ठीक है. अब वो फाइल पे जैसे ही डाउनलोड करके मतलब क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में वो वायरस आ गया. एक्चुअल में वो वायरस ही था जो एंटीवायरस के जैसे मेल किया. तो आप डरे हैं पहले से को वायरस रियल में, उसके बारे में जानना जरूरी है, कैसे बचना है. आपके एंटीवायरस कंपनी ने मेल किया है. अभी आपने एक चीज और देखा था, फेक मेलिंग भी किया जा सकता है, किसी मेल से किसी को कोई मेल आ सकता है, राइट. सो आजकल जो भी कुछ आता है ना, कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है. तो आप जितने लॉजिकली सिक्योर है उतने सिक्योर है, सिंपल समझ. तो सोशल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट मेथड. तो इंटरनेट डीएनएस पे आपको पहले टारगेट सिस्टम को इन्फेक्ट करना है और उसके बाद उसके ट्रैफिक को आप रूट कर सकते हैं. अभी मैं आऊंगा प्रॉक्सी पे, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो ये सेम सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. प्रॉक्सी सर्वर डीएनएस पॉइजनिंग. अब देखो प्रॉक्सी मतलब जो प्रॉक्सी हम लगाते हैं सिस्टम में. अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई प्रॉक्सी अगर मैंने आईपी अभी अपने सिस्टम में अगर कॉन्फिगर किया वर्किंग प्रॉक्सी, तो उस केस में मेरा ब्राउजिंग का हर एक एक्टिविटी जो भी करूंगा उस प्रॉक्सी के थ्रू जाए, वाया प्रॉक्सी. हाँ वाया. तो उस केस में जो प्रॉक्सी ऑनर है उसको तो मेरी डिटेल मिलेगी ना. प्रॉक्सी सर्विस प्रोवाइडर कोई ना कोई तो होगा जिसका आईपी आप यूज कर रहे हैं. अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लोकल नेटवर्क में सपोज मुझे वो सिनेरियो क्रिएट करना है, तो मैं अपना आईपी एड्रेस उनके सिस्टम में अगर कॉन्फिगर कर दूं सिस्टम में एज अ प्रॉक्सी, तो उनकी एक्टिविटी मेरे सिस्टम पे मॉनिटर कर सकता हूं ना. बिकॉज फिर वो क्या होगा कि आपका सिस्टम वो आपका सिस्टम नहीं है, मेरे आईपी के थ्रू आपका कम्युनिकेशन है, इसलिए ट्रैफिक इज गोइंग टू रूट फ्रॉम अस, मींस रूट फ्रॉम दिस सिस्टम. करेक्ट. तो प्रॉक्सी डीएनएस पॉइजनिंग बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी डीएनएस पॉइजनिंग. तो फेक साइट से डीएनएस की इस पॉइजनिंग क्या है?
क्या करना, एक्चुअल में आपका जो डीएनएस सर्वर है उसके अंदर जो भी लिस्ट था साइट्स के और आईपी एड्रेसेस के, वो अटैकर ने क्या किया, स्पूफ कर दिया पूरा कंप्लीटली। तब जब आप यहाँ से google.com ओपन करते हैं तो फेक google.com पे आप रिडायरेक्ट होके जाते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं तो फेक facebook.com पे आप जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एक तो यूज करके भी ये कर सकते हो आप, और एक हो गया कि जो रियल डीएनएस है अगर वो वल्नरेबल है तो उसको अगर चेंज कर दिए तब तो आपके सिर्फ आपका नहीं ग्लोबली, मतलब जितने लोग सपोज अगर आईएसपी लेवल पे डीएनएस हाईजैक हो जाए, आईएसपी लेवल, अभी हम लोग हमारे लेवल पे करेंगे अगर तो हमारा सिस्टम से कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, बट आईएसपी लेवल पे अगर जियो जैसे, एयरटेल जैसे या फिर इनके मतलब बड़े जो इंटरनेट वेंडर है इनका डीएनएस अगर हाई जैक हो जाए तो मतलब जितने मिलियंस ऑफ यूजर कनेक्टेड है सब हाई जैक हो जाए, मतलब सबका कम्युनिकेशन हाई जैक हुआ ना, बिकॉज सब उसी के थ्रू रूट कर रहे हैं। यू आर डूइंग कम्युनिकेशन वाया द सेम एंड अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग द सेम। ग्लोबल एक डीन अटैक हुआ था 2016 में हुआ था, डीएनएस सर्वर ही था वो, यूएस के 50% इंटरनेट उस डीएनएस सर्वर का यूज करते, और वो 3 बार एक ही दिन में अटैक हुआ था उस पर, डॉस अटैक हुआ था, आईओटी जो ये मेरा ही बॉटनेट करके एक था उसके थ्रू हुआ था, तो पूरे दिन के लिए इंटरनेट डाउन था हाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 2016। अभी डीएनएस सर्वर के थ्रू रिजॉल्व होता है, एक तो हो गया स्पूफ करके कहीं और ले जाओ लोगों को, रिडायरेक्ट करो इधर उधर, या तो ये कहीं हो सकता है डीएनएस को डाउन कर दो, इंटरनेट ही डाउन हो जाएगा, रिजॉल्व कैसे होगा। अभी देखो कई बार ऐसा आपको आता है जब आपका इंटरनेट नहीं चलता तो आता है ना डीएनएस कैन नॉट रिजॉल्व दिस आईपी और दिस डोमेन समथिंग, यू गेट द मैसेज लाइक वाइज, तो या तो आपके तरफ से इंटरनेट का प्रॉब्लम है या फिर सर्वर साइड से प्रॉब्लम है सर्विस प्रोवाइडर साइड से, तो फिर उसके इसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जब इतने इंटरनेट बंद हो जाए एक घंटे के लिए भी पर्टिकुलर वेंडर्स का जो इंटरनेट है डाउन हो जाए तो लॉसेस कितना हो, अंडरस्टैंड। तो अभी इस टाइप के अटैक ज्यादा ट्रेंडी हो रहे हैं बिकॉज अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल राइट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो ये सभी अटैक अब और पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो डीएनएस स्पूफ, डीएनएस पॉइजन, ये नेटवर्क लेवल पे अगर करना है तो उसके लिए है, तो आई विल कम टू दैट राइट, मैं दिखाता हूँ ये हीटर कैप। अभी जैसे तुमने ये देखा था ना एआरपी पॉइजनिंग जो आपने देखा राइट, एआरपी पॉइजनिंग के केस में डीएनएस का ही है वो, लोकल जो अभी देख रहे थे आप ये इंटरनल डीएनएस का एग्जांपल, एआरपी पॉइजनिंग जो आप किए और जो सारी रिक्वेस्ट आपके थ्रू जा रही है ना, यू आर एबल टू मॉनिटर एवरीथिंग, यू आर एबल टू कैप्चर आईडी पासवर्ड एंड ऑल राइट, तो दैट्स अ, तो वही सिनेरियो आप के थ्रू कर सकते हैं सेम। Using this tool, attacker can create a list of fake DNS record, DERP, NS spoof, and spoof. ये tool है, ये DERP and spoof क्या है, ये tool है, देखो यहाँ पे, अब जैसे spoofed response sent to this IP address, redirecting to this domain. मतलब ये actual, ये IP का ये domain नहीं है, but यहाँ पे redirection set हो गया है, कि जो भी request यहाँ पे इस IP का आया, तो उसे जाएगा कहाँ पे, इस domain. To whom to communicate local level पे ना, वही बता रहे हैं ना, कैश पॉइजनिंग का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो ये है, इसमें वही बता रहा हूं ना कि आपका जो डीएनएस रिकॉर्ड है उसको ये क्या करते हैं, फोर्ज करते हैं, मतलब फोर्ज एंट्रीज को एड करना, डीएनएस जो आपका रिजॉल्वर है DNS के थ्रू रिजॉल्व होता है ना, जो भी कम्युनिकेशन हम करते हैं जो यहाँ से हम भेजेंगे, अभी जैसे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, इफ आई गो थ्रू facebook.com राइट, तो facebook.com का रिक्वेस्ट DNS सर्वर के पास जाता है और DNS सर्वर फिर इसको रिजॉल्व करता है डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस राइट। तो अटैकर क्या किया,
कि जो रिकॉर्ड वहां डीएनएस पे है कि फेसबुक का डोमेन नेम ये है, इसका रियल आईपी एड्रेस ये है, इंस्टाग्राम ये है, इसका रियल आईपी एड्रेस ये है, IBM.com उसका आईपी ये है, Microsoft.com इसका आईपी ये है, तो अटैकर ने क्या किया, पूरी एंट्री स्पूफ कर दी। मतलब वो जो एक्चुअल डोमेन था उनकी आईपी जो है, अभी जैसे Google.com, Facebook.com इनकी जगह पे अटैकर जहां रिडायरेक्ट आपको करना चाहता है वहां वो आईपी उस लिस्ट में डाल दी है। तो आप रिजॉल्व करेंगे बट रिडायरेक्ट होके कहीं और जाए, ये केस पॉइजनिंग के केस में होता है, ठीक है। तो डीएनएस देखो, आज अब इनसिक्योरिटी का मतलब डीएनएस सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल है, डीएनएस सेक, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह अगर अच्छे से हम मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली डीएनएस सिक्योर रहता है। आप ऐसा रेयरली केस आते हैं क्लाइंट साइड से, जो ये थ्री टाइप आपने देखा, इंटरनल वन, इंटरनेट और प्रॉक्सी डीएनएस, ये तो आपको कभी भी कहीं से आपके ही उसमें किया जा सकता है, ठीक है। अभी आप जो इस नेटवर्क में बैठे उनको करना है तो उनके लिए तो ये सब चीजें आसानी से होती, जो सर्विस प्रोवाइडर साइड का डीएनएस, ठीक है। अगर आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना है तो उसके इसमें आपको कौन सा डीएनएस टारगेट करना होगा, सर्विस प्रोवाइडर का डीएनएस। डीएनएस सर्वर मेन रोल प्ले करता है, डीएनएस को चेंज कर दिया तो सब चेंज होता है। अटैकर टारगेट एंड मेक changes or add entry to this DNS keys if the DNS resolver cannot validate the DNS response have come from authoritative source, it will cache the incorrect entries locally and serve them to user who make the same request. और ये पूरी entry store करके रखता है fake का, attacker फिर क्या करता है, replace the user requested IP address with the fake IP address. Getting? Fake IP address मतलब entry spoofing का मतलब क्या होता है, कि जो original एड्रेस है, जैसे मैंने अभी वो टेलीफोन का आपको एग्जांपल दिया कि वैसा ही होगा कि अगर उसको उस डायरेक्टरी को स्पूफ कर दिया जाए तो आपको कम्युनिकेशन जो जिससे करना है कर पाओगे क्या, बिकॉज आपको एग्जैक्टली यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर ना, आपके पास कोई उसका ये तो है नहीं स्टोरेज की, आपके दिमाग में है और आप उसको कर सकते हैं। डीएनएस के केस में हमारी डिपेंडेंसी पूरी डीएनएस पे है, डीएनएस के पास एड्रेस जो है उसी से हम कम्युनिकेट करेंगे, तो उसमें डीएनएस के पास अगर रियल एड्रेसेस हैं, डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस, देन वी विल बी कम्युनिकेटिंग विद द रियल सर्वर, अदरवाइज वी विल कम्युनिकेट टू फेक वन। जैसे अभी फिशिंग के केस में क्या होता है, आपको लिंक भेजा गया दिखा के कि ये इंस्टाग्राम का है, दिख भी रहा है कि इंस्टाग्राम, बट क्लिक करने के बाद वो कहीं और जा रहा है, लेकिन वो चीज हम नहीं देखते हैं बिकॉज किसको ओरिजिनल आईपी नहीं लाएगा ना, रिजॉल्व मतलब वो क्या कर रहा है, डीएनएस की एंट्री जो है, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि डीएनएस के पास रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें आपका एमएक्स रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एसओएपी रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड है ना, ऐसे होते हैं ना रिकॉर्ड, राइट। तो डीएनएस के पास, डीएनएस क्या कर रहा है, अभी आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको अटैकर ने क्या किया, उसको ऐसा उसको ब्लॉक नहीं किया है कि वो आपको एरर देगा कि इट कैन नॉट कम्युनिकेट, वो क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है बट फेक आईपी पे रिजॉल्व कर रहा है, मतलब इट इज रिडायरेक्टिंग टू फेक, वहां पे ओरिजिनल का कोई रिकॉर्ड अभी नहीं है आपके पास, राइट। सो एवरी टाइम व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द फेक वन, फिर आपको अपना रिस्टोर रिकवरी वो सब करके फिर से वो रियल उसमें आना पड़ेगा, करेक्ट। वो ऐसा तो नहीं कर रहा। अब देखो फिशिंग के केस में क्या होता है, फिशिंग के केस में हम लिंक हमने भेजा आपको फेक, बट उस पेज को हमने कहीं पे होस्ट किया है ऑनलाइन, तभी तो वो पेज अवेलेबल होगा ना, नहीं तो पेज कहाँ से आएगा, फेक पेज जो हम आपको देना चाहते हैं वो फेक, वो पेज को कहीं तो हमको रखना होगा तभी वो आपके सामने आएगा। अब वो फेक, वो तो हमने क्या किया कि आपका पहले फेक लिंक के थ्रू आप फेक साइट फेक सर्वर से कनेक्ट हुए, राइट। फिर वहां पे जब आपने इंफॉर्मेशन सबमिट करके क्लिक किया तो वहां से रिडायरेक्शन हमने दे दिया है रियल डीएनएस, तो आप फिर वहां पे जाके रियल फेसबुक पे आते हैं, मतलब बीच में ही वो प्रोसेस हो गया स्पूफिंग का, गॉट इट।
बीच में ही आपका प्रोसेस हो गया स्पूफिंग का। तो आप लोगों को मैं ये इसका फिशिंग का जब लैब दिखाऊंगा तो इसमें आपको समझ में आएगा, प्लस काली के थ्रू जब हम एआरपी स्पूफ यूज करेंगे तब आपको ये डीएनएस की कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि डीएनएस आर द रिकॉर्ड्स, और डीएनएस रिकॉर्ड्स को अगर स्पूफ किया जाए तो फिर कम्युनिकेशन आपका जो रियल कम्युनिकेशन उसको रिडायरेक्ट करके हम कहीं पे भी ले जा सकते। और कभी भी जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको ओपन होने वाली जो साइट है या जो आपके सामने रिजल्ट आता है, नॉर्मली एज अ नॉर्मल यूजर हम लोग क्या करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक से ही हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि instagram.com, बिकॉज लिंक लोग क्या करते हैं लिंक चेक करते हैं, लिंक का नेम क्या है। अभी बताओ आप लोगों ने HTML में पढ़ा होगा हाइपर लिंक बनाने का कॉन्सेप्ट, HREF है ना, उसके थ्रू आप जो भी दिखाना वो दिखा सकते हो। अब उसके पीछे कुछ और हाइड रहता है, जो रियल है फेक वाला उसका लिंक रहेगा, और दिख रहा है क्या आपको instagram.com। अब instagram.com पे जब क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम सिर्फ आपको दिख रहा था, एक्चुअल में पेज कौन सा ओपन होगा जो बैकग्राउंड में वो है रियल, मतलब जो फेक है। अब आपका पेज ओपन होगा लेकिन पेज आपके सामने किसका आता है, इंस्टाग्राम का। तो उस समय सेकंड जो आपका वैलिडेशन पॉइंट है जहां पे आपको वैलिडेट करना चाहिए कि दिस पेज इज रियली इंस्टाग्राम पेज और नॉट, उस समय आप सिर्फ पेज देखते हैं यूआरएल नहीं देखते। अगर आप वहां पे यूआरएल देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये इंस्टाग्राम नहीं, राइट। अगर उसको आपने इंस्टाग्राम का सेकेंड टाइम जो मतलब क्लिक करने को जो पेज ओपन हुआ है, मतलब रिडायरेक्ट होने के बाद वो क्या हुआ, सामने क्या आया और उसका यूआरएल क्या, अगर क्लोजली आप देखोगे तो आप ऐसे अटैक से बच सकते। मोबाइल जैसे डिवाइसेस पे क्या होता है कि यूआरएल हम लोगों को अक्सर हम लोग देखते नहीं है बिकॉज स्मॉल साइज में है ना, मोबाइल पे और बेटर ये अटैक होते हैं, सिस्टम पे फिर भी देख लेते हैं कई बार ब्राउजर पे। और आजकल फिशिंग तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जैसे अभी यूजर्स के अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं तो कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो सिर्फ ये चेक करते हैं कि ये साइट पे लॉक है कि नहीं, ब्राउजर जब एक्सेस करते हो तो लॉक का सिंबल मतलब सिक्योर है ना, मतलब उनको शुरू से ये पढ़ाया गया है कि सिक्योरिटी का मतलब है ये चेक करो ये लॉक लगा है मतलब सिक्योर है। अरे फिशिंग वाली साइट पे भी लॉक दिखता है, वो क्राइटेरिया सिक्योरिटी का वो नहीं है, वो गलत है चेक करना, यूआरएल चेक करना है आपको। और आपको पता है ना instagram.com स्पेलिंग इंस्टाग्राम का पता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम, ठीक है, तो इसमें आई की जगह पे एल हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, नहीं ए का भी है, तो मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तब समझ में आएगा, ओ को जीरो करके उन्होंने कर दिया है, मतलब सेम नेम का सेम डोमेन नेम का फेक साइट नहीं हो सकता, जब मैं बता तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे आपके यूआरएल में। तो कभी भी क्लिक करते हो अगर तो उस केस में पहली चीज की क्लिक तो करना नहीं चाहिए। आजकल बिटली वगैरह इसका आता है ना, नहीं शॉर्ट इन यूआरएल करने के लिए, हाँ जैसे नहीं आजकल जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसी के थ्रू लिंक भेजते हैं, है ना, बैंकिंग के, बैंकिंग का नहीं और जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखे। तो आपको कभी भी देखो कुछ बेसिक प्रिंसिपल है अगर फॉलो किया जाए तब भी काफी सिक्योर रहा जा सकता है, जैसे कि किसी भी लिंक कहीं से भी आए बट आई हैव टू गो थ्रू दैट क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग, आई हैव सम नंबर ऑफ क्राइटेरिया विच आई हैव टू चेक, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मीन्स जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना, ठीक है, ट्रस्ट नो वन। तो उस केस में क्या होगा कि सबके लिए पॉलिसी सेम है, ठीक है, तो किसी से आता है फ्रेंड से आता है, अभी किसी मेरे बहुत ही क्लोज किसी से आया तब भी हो सकता है उसका अकाउंट किसी ने हैक करके भी भेज सकते हैं, मतलब कैसे सही वैलिडेशन पॉइंट आपके साइड से अगर एक एक डिसिप्लिन वैलिडेशन फॉलो हो रहा है तो उस केस में आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं चीज, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जैसे बोला जाता है ना हम लोगों के सिक्योरिटी में हमेशा कि इफ मेल इज कमिंग फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और सम अननोन सोर्स यू शुड नॉट ट्रस्ट इट,
ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे बोला जाता है. आपको क्या लगता है मेल इज कमिंग फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स? आपको कैसे पता चले उस मेल से मेल आ रहा है इसलिए? राइट. सो डेफिनेटली आपने वो देखा को सेम मेल से कोई भी मेल कर सकते हैं. मेल स्पूफिंग बोलते हैं उसको, है ना. कमिंग फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स देन यू शुड ट्रस्ट, है ना. तो इसलिए आपको ये डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करना है. मेल इज कमिंग फ्रॉम एनी वेयर, इट शुड गो अंडर दिस. एक जो प्रोसेस है हमारा उसके थ्रू हम चेक करें, हेडर एनालिसिस करेंगे, यूआरएल को प्रॉपरली चेक करेंगे, ठीक है. और अगर किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है तो उसे हम बात भी करके पूछ सकते हैं, तुमने भेजा है क्या, ठीक है, बिफोर रिप्लाइंग टू दैट ईमेल, रिस्पॉन्डिंग टू द ईमेल, है ना. ओके ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे टुमारो, वी विल प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट. और कल हम लोग फिशिंग अटैक भी देखने वाले, करेक्ट. कल हम लोग फिशिंग अटैक भी देखेंगे. तो आप लोग क्या करो, ये अब जैसे ये जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं इसका अपना क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं. जस्ट वन सेकंड. अलग अलग टाइप के अटैक के थ्रू आप जा रहे हो तो व्हाइट पेपर वगैरह आप पब्लिश कर सकते हैं या फिर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो खुद का कि फिशिंग से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पासवर्ड अटैक को रोकने के क्या क्या वेज हो सकते हैं, ठीक है. मोबाइल पे क्या क्या आजकल हो रहा है जो हम डिस्कस करते हैं, तो ऐसे आप चेकलिस्ट बना सकते हैं जो दैट विल हेल्प पीपल, है ना. दैट विल हेल्प द पीपल. जैसे लोगों को नहीं पता होता है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको बोलोगे सब कुछ तुम बुक पढ़ो तो समझ में आएगा, तो वो नहीं. एक पेज में आप कुछ उनको ऐसा शॉर्टकट क्या दे सकते हैं जिससे वो सिर्फ उन चीजों को फॉलो करें. ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट आज के डेट में है ज्यादा कि आप कोई ऐसी टेक्निक बताओ लोगों को स्टेप बाय स्टेप की जिसको सिर्फ फॉलो करें और उससे वो सेफ रहे. राइट गाइस, ठीक है. सो विल सी देन टुमारो. And we'll go through the